गुड इवनिंग एवरीबडी। वॉइस तेज है, एक बार फिर से गुड इवनिंग एवरीबडी। आकाश जी गेट बंद कर दीजिए ना, नहीं है तो आप कर दीजिए। सुमित जी हाँ आइए। वेलकम ऑनलाइन लाइव, लाइव ऑनलाइन लाइव में बहुत लोग हैं मैं देख सकता हूँ। आज पहला क्लास रहता है तो रहते हैं, लाइव में भी सेम सिनेरियो, पहला क्लास रहता है तो रहते हैं। बट ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगेन अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बट येट थ्योरी सब्जेक्ट, तो कुछ मेरिट्स एंड कुछ डीमेरिट्स हैं इस सब्जेक्ट्स के। और पर्टिकुलरली मैं जिन लोग को पहली बार आज पढ़ा रहा हूँ, मे बी क्योंकि कई लोग SM वाले हैं जिनको शायद तब तक कॉस्ट और FM का एहसास नहीं था, तो अब SM में एहसास आया, चलो देर आए दुरुस्त आए, बट हमें तो उनको अपना कर्तव्य निभा के देना है। SM में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो कि हमारा प्रॉपर 50 नंबर का एक कोर्स है, लास्ट पेपर का आखिरी पार्ट CA इंटर का 6B बोल के है। 6A हमारा पर्टिकुलरली क्या है बताइए तो सर, FM, और 50 नंबर का अगला क्या है बताइए, SM। मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आप मेरे क्लासेस के दौरान मिनिमम नंबर उबासी लें, एटलीस्ट अकाउंट से कम, मिनिमम नंबर ऑफ उबासी ले। आप जैसे मैं देखता हूं AS में AS के आगे सोते हो, मैं वैसा AS, मैं बोला तुम लोग बहुत बदमाशी करते हो, मेरे को जैसे तैसे तुम लोग को जगा के रखना होगा। अविनाश सर भी बीच में ऐसा ऐसा बात बोलते हैं कि आप लोग जग जाए। हाँ अरे बाप रे, तो ये बात है कि आपको सारे पूरे कंटेंट में काम का बात के साथ साथ थोड़े बहुत मस्ती मजाक चलती रहेगी, ताकि आपको ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी लगे प्लस मेमोराइज करने में आसानी रहे। क्लासेस के ड्यूरेशंस की अगर बात करें तो विल कीप अराउंड 145 to 155 मिनट्स तक, मतलब 1 hour 45 minutes to 1 hour 55 minutes, क्योंकि ये शाम को क्लास होगा। तो सुबह रखने का नहीं, रीज़न एक ही है, और ज़्यादा नींद आता, तो मैं नहीं चाहता कि वो नींद का फैक्टर आपके लिए बने। आप शाम तक थके हारे ये सब्जेक्ट को पढ़ने जाओगे तो कोई ऐसा बात नहीं आएगा कि एकदम नींद आ रहा है सर, नहीं हो पा रहा है, वो कोई फीलिंग नहीं, ये तो अभी से सो रहा है, ये तो ना चालू ही नहीं होने दे रहा है, मतलब चालू अभी क्यों सो रहा है, चालू होने से पहले नहीं सोते। सुनो यस ओके, ऑनलाइन लाइव में कई लोग बोल रहे हैं, कई लोगों को बुक्स अभी तक नहीं रिसीव हुआ है, तो ऑनलाइन लाइव मैं बता दूं, आपको कुरियर का ID मिल गया होगा, ट्रैकिंग ID, तो प्लीज़ उसको चेक कीजिए कहाँ पहुँचा है। अगर इक्का दुक्का दिन में आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं तो फटाफट टीम से कोऑर्डिनेट कीजिए। जो लोग भी ऑनलाइन में क्लास कर रहे हैं, वीडियो वालों को बुक्स मिल जा रहा होगा बाद में, और लाइव वालों को तो अभी तुरंत नीचे से मिल गया होगा। यहाँ बात रहा हमारा कि बुक्स का जो PDF है सर, वो एटलीस्ट शेयर कर दीजिए टेलीग्राम में, ज़रूर मैं आज ही आफ्टर द क्लास आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, बट टिल देन आप सुनिए, मज़ा कीजिए, और एक कॉपी, फ्रेश कॉपी और एक बुक जो मैंने आपको दिया वो कैरी कीजिए। आपने बुक का नाम देखा क्या है, कोर रीडिंग। कोर रीडिंग मतलब ये बात हुआ, अल्टीमेटली इस पूरे सब्जेक्ट में अगर हम ये थोरो रीडिंग कर ले इसका, इतना किताब का, कितने पन्ने का सर, लिटरली 80 pages अप्रॉक्स, 80 pages का अगर हम थोरो रीडिंग कर ले तो हम पूरा सब्जेक्ट संभालेंगे। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 400 पन्ने का किताब, 500 पन्ने का किताब ही होना चाहिए, ऑफकोर्स सब्जेक्ट का मोटिव ही उतना है तो उतना ज़्यादा पढ़ के लाभ नहीं है। जैसे अपना FM का भी किताब है हमारा, 95 या 90 pages का FM का बुक है, जिसमें आपको कंसाइज वे में सब चीज़ लिखा है, ऑफकोर्स सॉल्यूशन और QR कोड्स नहीं है इसीलिए छोटे हैं, बट अगर सॉल्यूशन और QR कोड रहेगा तो बड़ा हो सकता है वो बुक। नेवरदलेस हमने कोशिश किया है कि हम आपको बेस्ट तरीके से कम मेहनत से मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करके दें।
एफएम में लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट बड़ा आसान लगता है शुरू में। एग्जाम वाले दिन कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अपना एग्जाम खराब करते हैं वो वाला। और दूसरा कारण होता है कि ये आखिरी पेपर होता है, तो उस वजह से वो जो एक हिम्मत बचता है ना, वो सारा का सारा हम पहला पांच में इतना निचोड़ चुके होते हैं कि हमारा लास्ट पेपर में जाके वो अहमियत थोड़ा सा दिखने लगता उधर। तो इस सब्जेक्ट को मैं कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स लेके पढ़ाने वाला हूं जिससे आप अपनी जिंदगी को रिलेट करेंगे। लोगों को लगता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि बिजनेसेस यूज करते होंगे, है ना, फर्म्स यूज करते होंगे, इंडस्ट्रीज यूज करती होंगी, बट ये आज जमाने में हम भी यूज करते हैं। भले ही हम मैनेजमेंट नहीं, हम खाली स्ट्रेटजी बनाते होंगे, और हम निजी जिंदगी में ये वर्ड बहुत बार आपस में दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, अपने यार और जितने भी क्या बोलते हैं उसको, अपने घर पे सपोज कोई सीनियर है या मम्मी है पापा है, उनके साथ इस वर्ड को लेके कभी ना कभी इंटरेक्शन कर ही लेते हैं। बट इसका असली मीनिंग और इसका असली कंटेंट हमारे लिए कैसा रहने वाला है वो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट जैसा मैंने आपको बोला अपने कितने मार्क्स का बनता है बताओ तो, सर 50 नंबर का है, जिसमें आपको मालूम है एमसीक्यू कितने मार्क्स का आएगा, 15 मार्क का। सर एमसीक्यू क्या 15 फिक्स्ड है? यस फिक्स्ड है, एज पर आईसीआई मॉड्यूल और एज पर आईसीआई सर्कुलर अभी तक तो 15 क्वेश्चन एमसीक्यू आने हैं। यानी अगर एक बार सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो 15 मार्क्स का एमसीक्यू, तो सर 30 का बोलते हैं ना, 15 किसका आना है बताइए, एफएम का। सर क्या ये डायरेक्ट रहने वाले हैं कि केस स्टडी रहने वाले हैं? तो अगर मेरा राय मानो तो आज तक ये सब्जेक्ट का एमसीक्यू पहले भी था, क्योंकि ये सब्जेक्ट ओल्ड सिलेबस में भी था और एमसीक्यू आता था उससे। तो मैं आपको बता दूं 12 क्वेश्चन डायरेक्ट होते थे और 3 क्वेश्चन केस स्टडी ओरिएंटेड होते थे। मतलब वो लोग कुछ ऐसा मिक्सचर देता था कि लोगों को 2-3 सवाल में दिक्कत हो, 12 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड। सेम गोज फॉर डिस्क्रिप्टिव 35 मार्क्स। आपको मालूम है 35 मार्क्स आपको लिखना है। अब यहां क्या चाहता है, जैसे थ्योरी पेपर में है ऑडिट और लॉ, जहां आपको क्या करना पड़ता है सर, लिखना है, बट वहां तो सर 70 नंबर लिखना है, यहां सिर्फ कितना लिखना है बताइए, 35। आधा एफर्ट्स लगाना है जो वहां लगाना है। तो ऑफ कोर्स आधा एफर्ट्स अगर लगाना है तो सर कंटेंट भी उतना ही होगा जितना 35 के लिए होना चाहिए। इस पूरे 35 मार्क्स में आपका फ्लो कैसे टूट सकता है सुनना। सिंस इंस्टीट्यूट ने 5 चैप्टर डिवाइड किया है एंड उन्होंने कहा है कि वो इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे हर चैप्टर को, मतलब जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना इनके बीच में वो कितना आपको मालूम है, इक्वली, यानी सिंपली 5 अगर है तो कितना हो गया बताइए, 7। अब यहां एक कैच है अगेन, जो कि एक आपको टीचर ठीक से ना बताए तो आप गलती कर दे, क्या सर देयर इज ऑप्शंस इन पेपर, यू नो दैट। सर एसएम में कितने ऑप्शन रहेंगे एक क्वेश्चन का, यानी ये एक पेपर है जिसमें 2 पार्ट है और उस वजह से आपको कितने ऑप्शंस देखने मिलेंगे बताइए, चालू कर देना, 2 ऑप्शंस देखने मिलेंगे, एक एफएम में और एक किस में, एसएम में। बट वही जो एक फुल फ्लेजेड पेपर है ना 100 नंबर का, जैसे कौन अकाउंट्स लॉ ऑडिट कॉस्ट, इन सब में आपको कितने ऑप्शंस देखने मिलेंगे, मेरे ख्याल से एसी बंद हो गया है इसलिए नहीं, हाँ बाहर से स्विच एक बार देख के आ जाना प्लीज, देख क्या हुआ है। तो 35 मार्क का जो पेपर है उसमें आपका एक ऑप्शन होने वाला है। तो अगर मैं एक टेंटेटिव हिसाब भी लगाऊं तो मेरे को लग रहा है 7 नंबर करके अगर एक क्वेश्चन बनता है तो 7 करके अगर 35 डिवाइड करे तो कितने होते हैं बताइए, तो 5, या 5 मार्क का देखे तो 7 क्वेश्चन, वाइस वर्सा। बट सर रहने कितने वाले का है पेपर, और एक एक्स्ट्रा मार्क्स रहेगा आपके, मतलब और 2 क्वेश्चन रहेंगे एक सेट का जिसको आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। सर मार्क्स कितना ज्यादा आ सकता है वो तो आज के दिन में पता नहीं सर, कि ये कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन ये लोग बनाए, बट अगर मैं 35 का बोलूं तो अराउंड 42 हो गया, तो मेरे ख्याल से कुछ खराब हुआ है। ठीक है मैं वो वाला एसी चालू कर देता हूं, बैठो आप, चला चलिए। तो 35 मार्क्स में अगर मैं आपको बात बताऊं तो इस 35 मार्क्स में
सर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं? एनी आइडिया एनीबडी? दोनों आते हैं वापस से, मेरा एरो से समझ में आ गया, क्या स्ट्रेटेजिक हो आप लोग, मतलब पहले से दिमाग लगा लिए इतना, वाह। सुनना, 25 to 28 मार्क्स क्या रहने वाले हैं बताइए, डायरेक्ट, यानी 25 to 28 मार्क्स आपको देखने मिलेंगे कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम बुक डायरेक्ट क्वेश्चन आए, आपको कुछ इसमें हेरा फेरी भी नहीं लगेगा। कारण एक जैसे होता ना, डेफिनेशन बचपन में पढ़ते थे ना कि इसका मतलब क्या होता है, बस वही पूछेगा। ऐसे फोटोसिंथेसिस सुना है क्या? पढ़े थे? इतना नहीं बोलते, पागल है क्या? तो ये जो फोटोसिंथेसिस, जैसे बता ना व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, बस डायरेक्ट सिंथेसिस, फोटो खींचना, मालूम है हमको ये सब डेफिनेशन लिखते थे जब बड़ा चढ़ा आंसर करना पड़ता था, कि डायग्राम और बना के आते थे, ऐसे एक ठो कप में डाल देते थे एक, है ना, पागल लोग। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ऐसा यहाँ करके मत आना कि सर हम जबरदस्ती कुछ स्ट्रैटर्जी पूछा तो एक एग्जांपल दिए तो मैकडोनल्ड्स का फोटो बना के आ गए, वो जोकर भी बना के आ गए, दिस इज यू, ऐसे मान लिए। ये सब करना नहीं है, कुछ डायग्राम फाइग्राम बना के आ जाना कि मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल लिए तो एक बर्गर बना के आए हैं सर, कि दे देखो ये बर्गर में चीज डाल दिया, ऐसे कर दिया। तो सिंपली 25 टू 28 मार्क्स क्या रहने वाला है बताइए, डायरेक्ट, मतलब हम डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कर सकते हैं। बाकी का 8 से 10 मार्क्स हम क्या देखने वाले हैं इसमें बताइए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, यानी हाइएस्ट टू हाइएस्ट 2 या 1 क्या रहने वाला है बताइए हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। बट वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी ना घुमाता है पहले बहुत ज्यादा, जैसे अभी का आरटीपी में आपने देखा होगा, नया आरटीपी जो लॉन्च हुआ है जिसमें कॉस्ट एफएम के अकाउंट्स के केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू डाले हैं, बट अगर निकाले बात अंदर का तो केस स्टडी कुछ नहीं है, समसी है, आगे का स्टोरी जबरदस्ती पैराग्राफ बनाया, काम का बात नीचे से ही चालू कर रहा है। तो बोलने का बात है केस स्टडी, रहता वापस से क्या है घुमा के डायरेक्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम क्या है कि इनडायरेक्टली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि ये बोलना चाहते हैं सर कि पता नहीं चलता है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है कि एडवांटेजेस लिखना है कि फीचर्स लिखने मांगा था। ये 3 शब्द अपने लिए तो आज तक क्या थे, सिनोनिम्स, बट शायद ये सब्जेक्ट में ये 3 शब्द का अलग अलग तात्पर्य हो तभी ये आदमी बोल रहा है। हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, फीचर्स अलग है, और क्या बोला अभी एक और सर, ये फंक्शंस, ये सब अलग है। अब ये सब अगर अलग अलग बात आ जाएंगे तो हमको तो कौन सा बात लिखना है वो जानना बहुत जरूरी है, तो वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी हो जाता है एलिमेंट। अगर मैं अब मार्क्स स्कोरिंग का बात करूं तो मैं बोलता हूं ऑन ए मिनिमम साइड इस 15 में आप 9 से 10 ला सकते हैं, क्या नहीं लगता ला सकते हैं? बिल्कुल सर ला सकते हैं। नेक्स्ट इस 35 में अगर बात करूं तो आप आराम से इस 25 से 28 में 18 ला सकते हैं, और इसमें मैं मानता हूं चलो 4 से 5 आ गया, एक बार टोटल करेंगे 10, 8, 10, 18, 28 और 4 कितना होता है 32। ये जो 32 मार्क का सेट बना एक 50 नंबर में एक थ्योरी पेपर में अगर हम स्कोर कर लेते हैं, और वहीं एफएम में हम 35 से 38 स्कोर कर लेते हैं, तो इस दोनों पेपर में मिला के 70 लाना तो एक मिनिमम स्लैब होना चाहिए कोई भी बच्चों का। क्योंकि मैं बता दूं ग्रुप 1 इज गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक फॉर यू ऑल टू स्कोर गुड मार्क्स, ज़्यादातर मार्क्स कहाँ आएगा पता है, ग्रुप 2 में, और ग्रुप 2 में भी एक बम है जो आप जानते हो कौन सा बम है, वो बम ब्लास्ट होना जाए उसके लिए हमको कई तार ठीक रखने पड़ते हैं, और उसमें से एक तार ये है, अगर ये तार हिल गया ना तो वो ऑडिट का बम जोरदार फटेगा तुम्हारे ऊपर। अगर ऑडिट का बम को बचाना है तो ये समझ लेना कि ये पेपर आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है। प्लीज़ फोकस करेंगे अपने इस पेपर में कि जितना हो सके हम लर्न जल्दी करेंगे, हम घर जाते ही इमीडिएटली क्यूमुलेटिव रिविजन करेंगे। वॉट डू मीन बाई क्यूमुलेटिव रिविजन सर? सपोज कर लो अगर मेरा 3 क्लास लगा चैप्टर 1 में, तो वो 3 क्लास जब हम 3rd क्लास रिवाइज कर रहे हैं, हम 1, 2 भी रिवाइज कर रहे हैं, सर टाइम लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं, मतलब लिटरली यू विल गेट टू नो कि अगर मैं 10 मिनट और एक्स्ट्रा पढ़ लेता तो शायद 1, 2 वाला क्लास भी रिवीजन कर लेता। इससे क्या होगा, हमारा काम आसान रहेगा। सर आपका पढ़ाने का मेथडोलॉजी बता सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम 2 तरीके से क्लास में चलेंगे, नंबर 1 आर स्टाइल, नंबर 2 आईसीएआई स्टाइल। ऑब्वियसली एग्जाम में कौन सा प्रेफर्ड है,
आईसीआई सबसे ज्यादा फोकस करता है इस पेपर में सिर्फ एक बात पे, और वो आप जानते हो बाकी थ्योरी पेपर्स को लेके भी विचार, कीवर्ड्स। उनको कीवर्ड्स चाहिए अपने आंसर में, उनको उसके बाद इस बात से परवाह नहीं रहता है कि ये आसपास उसका लैंग्वेज क्या चेंज कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर रटना मेरे को नहीं लगता कहीं से भी पॉसिबल है हर चीज। बट खास बात क्या है, ये सब्जेक्ट में वो सब बात नहीं है जो लॉ में है, जैसे कि 21 दिन के अंदर अंदर अगर ये नहीं किए तो 3 महीने के अंदर अंदर तुमको ये करना होगा, नहीं तो 6 महीने के अंदर अंदर तुमको अंदर डाल देंगे। हमको अंदर बाहर नहीं करना है कुछ, यहां पे आपको बहुत ही सिंपल सिंपल कंटेंट है जहां पे टाइम्स फिगर्स वाले चीजें याद नहीं रखने, यहां पे आपको कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है। ऑल दो कीवर्ड्स उन कॉन्सेप्ट्स में अगर हम ना लिखे तो हम मिस कर जाएंगे मार्क्स। तो मार्क्स लाने के बाद बच्चे क्या होता है ना, जब पेपर आता है रीचेक होके, जब कई बार कई लोगों का नहीं होता तो उनका दिक्कत यही होता है, दे एलिमिनेट द कीवर्ड्स फ्रॉम देयर आंसर, ऑल्दो दे मेंट टू से द सेम मीनिंग वर्ड और सेम मीनिंग कंटेंट, बट प्रॉब्लम होता है कीवर्ड्स गायब है। तो हम ज्यादातर फोकस किस में करने वाले हैं सर, नंबर वन कीवर्ड्स। अब इसको याद करने के तरीके, नंबर वन तरीका होता है लोगों का कि सर हम इसका न्यूमोनिक्स बना दे, हम इसका अल्फा न्यूमेरिक्स बना दे, हम कुछ ना कुछ तरीके से इसका शॉर्टकट्स बना ले। देखो मेरा मानना है शॉर्टकट्स कभी भी जनरल इन नेचर नहीं हो सकता। मे बी मेरे लिए कोई लैंग्वेज या कोई लाइन मेरे को हिट करे बट तुमको वो हिट ना करे। से फॉर एग्जांपल कोई मीम कंटेंट होता है, आज तुम लोग जो मीम कंटेंट रीड कर सकता है, मेरे और तुम में एक डेकेड का जनरेशन गैप है, और उस डेकेड के कारण शायद मैं और तुम वो रिलेट ना कर पाए सेम चीज, बट हम वैसे ही हैं जैसे आप हो और हम रिलेट कर लेंगे कहीं ना कहीं से। बट बात यही उठता है लास्ट में जाके कि सर हो सकता है एक जनरेशन गैप के कारण हम लोग जो वर्ड सुनते हैं, हम लोग जो देखते हैं वो आप आज के दिन नहीं देखते, और सोच हो सकता है मेरे जो सुने हुए बात है वो आपके लिए कोई मतलब होता ना कि नॉन रेलिवेंट चीजें हो। तो न्यूमेरिक्स एंड अल्फा न्यूमेरिक्स कैन नॉट बी जनरल इन मास, आपको अपने एंड से कुछ वर्ड्स हो सकता है जो आपके शायद एक्स का नाम बन जाए, समझ रहे हो, ये 7 दिन जो चल रहा है उस हिसाब से नाम बन जाए। तो वो दिन पे डिपेंड करता है सर कि हम किस तरीके से अपना कोई न्यूमोनिक्स बना सकते हैं, हमारे लेवल पे डिपेंड करता है हम कैसे बना पाए। बट हम कुछ जनरल न्यूमोनिक्स देंगे आपको जिससे आप हर चैप्टर में 1 से 2 भी अगर बना लोगे जो कि मेन इंपॉर्टेंट बात होंगे तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। बट ऐसे हर लाइन के लिए अगर मैं बनाने लगूंगा ना तो पहले तो उसको याद करने के लिए 1 दिन लगेगा, और फिर बैठोगे आप अलग से हो जो कंटेंट है उसको याद करने के लिए, बेवकूफी है आई मीन टू से। तो सर व्हाट इज द सेकंड वे आउट टू लर्न थ्योरी पेपर्स, मेरे हिसाब से जो मैं अडेप्ट किया था मेरे टाइम पे, इवन अविनाश सर अडेप्ट किए थे मेरे टाइम पे, यानी अब हमारे टाइम पे, तो उस समय क्या हुआ था सर, हम लोग मल्टीपल रीडिंग्स देते थे और रीडिंग्स देते वक्त एक बार हाथ से लिखते थे। मतलब जब मैं आज का क्लास कराऊंगा आप घर जाओगे, आप जब इसको रिवीजन करोगे ना, आप ये नहीं करोगे ठीक है हाँ ठीक है ये पढ़ाया था, ये ठीक है ये पढ़ाया था ठीक है, ऐसे नहीं। जब घर जाएंगे बैठेंगे चुपचाप और एक जगह कॉपी पेन लेके जितना बात ये आज क्लास में समझाया या ये बताए उसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट कीवर्ड्स अपने हाथ से लिखते रहेंगे, और जब तक थर्ड रिवीजन करेंगे, मतलब थर्ड रिवीजन समझ में आ रहा है मेरा, क्यूमुलेटिव वाला, मतलब क्या, जब थर्ड क्लास आएगा तो 1-2 को वापस कर रहे होंगे, उस समय वो हाथ रख के याद रखने का कोशिश करेंगे, शायद वो पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में क्या डेवलप हो जाए जो तुमने बोला क्या सर न्यूमोनिक्स मेरा, और वो मेरे को इतना आसान लगने लगे उसके बाद कि हाँ अब ये रट गया अब कोई टेंशन नहीं है। बट डे वन में न्यूमोनिक्स बनाना आपके लिए, आपको पता है वो न्यूमोनिक्स याद रखना पहले आपके लिए एक भारी काम हो जाएगा। तो आई थिंक वो चीज अपने उसको डिले करेंगे आफ्टर गिविंग व्हाट मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ अ चैप्टर। ये हुआ हमारा तरीका पढ़ने का। सर क्या आप कॉपी में नोट्स लिखाओगे कि बुक से पढ़ाओगे अंडरलाइन करते चलोगे, हम लोग सुनेंगे उबासी लेंगे और सो जाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। आपको मैं क्लास में क्या कराऊंगा सर, रनिंग नोट्स, इवन
मैं अपने हिसाब से कुछ एग्जांपल्स जो बीच बीच में बताता रहूंगा वो आप रिलेट करने के लिए चीज़ों को लिखेंगे, बट मेरा जो क्रॉस रेफरेंसिंग का तरीका होगा जो आप ऑलरेडी शायद एफएम कॉस्ट में जानते हैं, विच इज़ कि मैं बुक में पेज नंबर लिखवाऊंगा कि अपने ये कंटेंट कहाँ पे मेन बुक में है और वहाँ पे लिखवाऊंगा कि इससे रिलेटेड एग्जांपल हमारे कॉपी में कहाँ है, ताकि आप जब बुक खोलो कॉपी पढ़ा जाए और बुक कॉपी खोलो तो बुक पढ़ा जाए। ये एक तरीका होता है हमारे लिए पूरा काम करने का तरीका। क्या डन है सबको इतना सा बात? ये जो मैंने इतना देर बात किया, क्या लगता है क्या ये एक स्ट्रैटेजी है? क्या लगता है क्या ये एक प्लान है? क्या लगता है क्या ये एक गोल है? क्या लगता है क्या ये एक ऑब्जेक्टिव है? क्या लगता है क्या ये एक मिशन है? क्या लगता है क्या ये एक विजन है? सर एक मिनट, ये सारे वर्ड जो अभी आपने बोले शुरू वाले तो इक्का दुक्का हम लोग को समझ में आया, बट ये जो पीछे में आपने सारे वर्ड्स लगाए ये क्या थे? ये विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, आप कुछ वर्ड्स बोल रहे हो जो शायद हम अभी तक अलूफ है, बट अगेन हम इन सबको अगेन सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं। हमारा मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव सब एक ही है सर, 6,000 रुपये में घूमना, सब कुछ घुमा के एक ही है हमारा, ये चाहिए सर, ये करना है। अब बताइए आप क्या बोलोगे आप इसको, आप जो बोलना है नाम दे दो हमको, बंदा नहीं होता ना। एक 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 पिक्चर देखे हो वो वाला वसेपुर, माय फेवरेट पिक्चर, उसमें बोलता ना तुम्हारा जिंदगी का मकसद क्या है, तो बोलता है सरदार सिंह की मौत, बोलता सरदार सिंह तो कब का मर चुका है, बोला तब तो मेरा मकसद भी खत्म हो चुका है। तो ये जो मकसद होता है ना, वो ये सब जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, इतने सारे वर्ड्स मैंने अभी लिए, पक्का इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, और वो स्ट्रेटेजिकली हमें यहाँ पे समझना है, हमें वर्ड्स को कैटर करना है और अपने आंसर्स फ्रेम करने हैं। सर करिकुलम के बारे में बता सकते हैं, देर आर टोटल कितने चैप्टर्स, आइए फटाफट बताइए, मेरे पास कितने चैप्टर्स हैं यहाँ? ओनली 5 चैप्टर्स। सर पहले भी इतने थे क्या? जो लोग ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस में पढ़ चुके हैं उनको बता दूं इतने नहीं थे, पहले कितने थे मालूम? 8। तो सर 8 का 5 हो गया, मतलब कम हो गया, हिपी पूरे ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया वो कंटेंट को इधर से उधर पेस्ट करके इन चैप्टर्स के नाम को 5 करने का कोशिश किया, और ये 5 चैप्टर अल्टीमेटली हमें पढ़ने, जिसमें बराबर वेटेज दिया गया एग्जाम्स के तौर पे, यानी हर एक से एक क्वेश्चन आने का चांस है 7 नंबर का, और अगर 5-5 नंबर का आता है तो कोई से 5 कोई से 3 करके एवरेज में 7 कर देगा वो लोग, क्योंकि एमसीक्यूज भी तो हैं। क्या डन है ना सबको बात? यानी रफली अगर बात किया जाए तो एमसीक्यू और मेन बुक कॉन्टेंट को मिलाए तो 50 नंबर 5 चैप्टर, हर चैप्टर कितने के बताओ? 10 नंबर, जिसमें रफली एमसीक्यूज बोले तो 2 से 3 एक चैप्टर से, और मेन कंटेंट बोले तो 7 नंबर। तो सर ज़्यादा लोड लेना है क्या? आप खुद सोचो अल्टीमेटली एक चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है? 7, मतलब एक क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। और सर कितने टॉपिक्स होंगे ऐसे? 7-8 टॉपिक होंगे, जैसे प्रैक्टिकल पेपर्स में होते हैं। अच्छा प्रैक्टिकल में जब आप पढ़ते हो क्या अल्टीमेटली देखा जाए तो टॉपिक्स कितने होते होंगे जो एक चैप्टर में होते होंगे? 5, 7, 8, 10, उससे ज़्यादा तो नहीं होते। सिमिलरली यहाँ टॉपिक्स देखा जाए तो घुमा फिरा के कितने हैं? 7-8 ही है, और उस 7-8 में फोकस करना है। उसमें भी एग्जाम ओरिएंटेड जाए तो कुछ क्या होंगे? मोर इम्पॉर्टेंट, और कुछ क्या होंगे सर? लेस इम्पॉर्टेंट, और वैसे अपने पढ़ते रहेंगे इस बात को। क्या क्या चैप्टर का नाम लग रहा है देखिए एक बार, सबसे पहले क्या हेडिंग दिख रहा है बताइए, पढ़ते रहिए हाँ प्लीज़, साथ साथ में बोलना है, ताकि एक बार होता है ना वही जो मैंने बोला अभी तक, 3 जन ने 2 बार उबासी लिया है, मैं काउंट कर रहा हूँ, वो 3 जन समझ सकते हैं वो कौन है। आइए एक बार नाम पढ़ते हैं दोबारा से, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू। ओके, तो मतलब आप ये बोलना चाहते हो, आप सबसे पहले तो हमको ये बताओगे कि ये चैप्टर क्या है, ठीक है, इसके ऊपर 10 नंबर है, क्या बात समझना कि ये चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अगला क्या दिख रहा है बताइए हमें, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, जिसके अंदर एक वर्ड है क्या, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, आसपास के बाहर वाले, और एक क्या दिख रहा है बताइए, एनालिसिस करना किसके अंदर, अपने गिरिबान के अंदर झांक के देखना कि हम कैसे हैं, तो वो क्या हो गया बताइए, इंटरनल। फिर क्या दिख रहा है बताइए आगे, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस,
कि मतलब हम क्या क्या चॉइस पैदा किए हैं भाई, कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये, और लास्ट में क्या करना बताइए, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंट करना और उसको क्या करना, इवैल्यूएट करना। अगर अगेन पूरा चैप्टर का सम बोले तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स सीखेंगे जिसके बेसिस पे हम ये चार चीज़ें सीख सकते हैं। यानी चैप्टर वन हमें क्या सिखाने वाला है, मान लो ग्लॉसरी, मतलब सारे टॉपिक्स का क्या देने वाला है, एक हिंट कि ये वर्ड अगर पता हो तो ये चार चैप्टर पढ़ सकते हैं। क्या चार चैप्टर पढ़ सकते हैं सर? अपने आसपास की दुनिया, अपनी दुनिया, उसके बाद क्या करना सर, ये दोनों जन को जान के, किसको किसको जान के, आसपास की दुनिया को और अपने आप को जान के क्या डिसाइड करना कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज मेरे पास है अचीव करने के लिए। तो वो जो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज आएगा उसमें से क्या करेंगे, कोई स्ट्रैटेजी क्या करेंगे चूज, तो वही चॉइस कर लिए। अब वो चॉइस करने के बाद उस स्ट्रैटेजी को क्या करना है, इम्प्लीमेंट लगाना चालू करना है। इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद हर रेगुलर इंटरवल्स में क्या करना चाहिए, उसका इवैल्यूएशन कि वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर गलत जा रहा है तो चेंज करना। कैसा काम आपने कॉस्ट में बजट चैप्टर में भी सुना है, बजटरी कंट्रोल बोल के, क्या करते हैं सर वही, पहले एस्टिमेट करते हैं, फिर एस्टिमेट के हिसाब से काम करना चालू करते हैं, फिर अगर कुछ दिक्कत होता है तो उसको क्या करते हैं सर, चेक करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रीचेक करते हैं, सेम काम यहाँ है। तो दिस चैप्टर, दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंटर रिलेटेड टू योर एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स एंड वी विल लर्न थ्रू सम वेरियस मल्टीपल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जिसके बेसिस पे आपको ज़्यादा लोड ना लेना पड़े। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर हमें ना उसका एग्जाम्पल दीजिएगा, किसका, मैं बताता हूँ तुमको कि सर हम लोग को ना वो आप पीयूष बंसल का एग्जाम्पल दीजिएगा जो लेंस कार्ट में है, वो क्या अपना स्ट्रैटेजी अपनाया। अरे बुढ़वा, कई लोग जानता ही नहीं है पीयूष बंसल कौन है, यहाँ पे ये पर्टिकुलरली सब जानते हैं ठीक है, बट फिर भी एक होता है ना, कई लोग तो जानते ही नहीं है कि कोई बिजनेस को कैसे देखते हैं। तो उतना भारी भारी एग्जाम्पल, जैसे ये एक बच्चा है, मैं देखता हूँ क्लास में इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ता है, यहाँ लोगों को वो समझ में ही नहीं आएगा पेपर, कारण उसमें कोई फोटो ही नहीं है। जब तक कोई 10 फोटो वाला पेपर ना आए जिसमें 10-15 फोटो है, बीच बीच में T2 कहीं बीच में कुछ फोटो है, तब तक वो पेपर क्या पेपर है कि नहीं। तो वो जो एक होता है ना कि सर मसाला नहीं तब तक मजा क्या। तो अब कोई को वो कंटेंट और कोई को वो कंटेंट, दोनों कंटेंट अलग है, बट मैं बता दूं इन्फॉर्मेशन वाइज अगर हम खोजना चाहें तो काम का बात हो सकता है, निष्कर्ष एक ही निकले दोनों में, बट कोई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो 10 फोटो चिपकाया जाता है और कहीं होता है कि भाई कंटेंट अच्छे से दे। अब ये जो सारी बातें हैं, क्या आपको लगता है एज अ स्टूडेंट इकोनॉमिक्स टाइम समझना एक सारे स्टूडेंट्स के लिए सही बात है? नहीं सर, सब नहीं समझ सकते, बट यस सर, रेगुलर हैबिट बनाएंगे तो हम भी सीख जाएंगे, तो वो विथ टाइम जनरेट होगा। तो अभी के लिए हमारे एग्जांपल्स कैसे बेसिस पे होंगे मालूम, कैसे, रियल लाइफ बेस, मतलब हमको लेके। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स में, हो सकता है मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लूँ जो कि किससे रिलेट हो सर, ओवरऑल दुनिया को लेके, बिजनेसेस को लेके, जो रियल लाइफ में ओरिएंटेड होता है। जैसे अपने सुनते हैं ना सर, ये दो कंपनी आज अमलगमेट हुआ, ये कंपनी डीमर्जर हो गया, तो आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हो सब, बट क्या आप उसके सारे एग्जाम्पल्स सुनते हो क्या कि कौन सी कंपनीज है जिसने मर्ज हुआ? नहीं, आप उसके अकाउंटिंग ज्ञान समझते हो। सेम कैपिटल बजटिंग चैप्टर FM में, क्या आप सारे सच में प्रोजेक्ट सामने ला के रखते हो क्या? क्या आप शार्क टैंक की तरह यहाँ बैठते हो, ये बोल तुम बता तेरा क्या है, क्या प्रोजेक्शंस है तेरा अगले साल का, क्या ऐसे शार्क टैंक खेलते हैं क्या अपने? नहीं सर, हम लोग ही बिट्टा ही बिट्टा सीफैट सीफैट नहीं करते। तो हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं उसमें क्या है सर, नहीं नॉर्मल बात करना है अपने को। अभी हमारा स्टूडेंट लाइफ है तो हमें अपना स्टूडेंट लाइफ समझ के चलना है। तो स्टूडेंट लाइफ के जो एग्जाम्पल्स होंगे वो कलेक्टिवली समझेंगे और उसको कॉपी में लिखते चलेंगे। क्या डन है सबको इतना सा बात? तो सबसे पहले कॉपी में हेडिंग दिया जाए, लिखिए सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, लिख लिए क्या सब? सिलेबस एंड पेपर पैटर्न लिखिए। सिलेबस के अंदर बेस्ट तरीका समझने का स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें दो बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, बताइए क्या?
पहला अपने बारे में, यानी क्या इंटरनल इन्वायरमेंट्स, और दूसरा क्या बोले बताइए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जब हम ये दोनों चीज समझ लेंगे तो हम एन नंबर ऑफ क्या बना सकते हैं सर, स्ट्रैटेजीज। ये जो स्ट्रैटेजीज बनेंगी इसमें क्या करेंगे सर, चूज एनी वन स्ट्रैटेजी, चूज एनी वन स्ट्रैटेजी, और उस स्ट्रैटेजी को क्या कर देंगे सर, इंप्लीमेंट। इस इंप्लीमेंटेशंस के साथ साथ कंटिन्यूअसली वापस से क्या होगा बताइए, ये इवैल्यूएशन री रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा, मिड ऑफ द पीरियड अचानक से कुछ चेंज आया तो इसके लिए ये वापस से क्या होगा बताइए, इवैल्यूएटेड ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। दिस इज आवर सब्जेक्ट। क्या इसीलिए ये पांच चैप्टर्स आपके आगे रखे गए, बिल्कुल सही, अल्टीमेटली ये पढ़ना है। अब जो ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस या इस तरीके से हम टेबुलर फॉर्मेट में कोई चीज प्रेजेंट करते हैं, क्या एग्जाम में भी कर सकते हैं, कदापि नहीं। एग्जाम्स में आपको मैं पहले टोक दूं, आप लॉ ऑडिट टैक्स और एसएम में ट्राई भी मत कीजिएगा कि कोई चीज को समझा रहे हैं तो ऐसे कि ये दो टाइप का होता है। अगर आप ऐसे काम करके आएंगे आपका नंबर कटेगा। आपको पता है अगर दीज आर ऑफ टू टाइप्स, राइट लाइक दिस, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, वन टू, यानी आप क्या यूज नहीं कर सकते एरोज। आप सोचोगे कि आप ज्यादा अच्छा प्रेजेंट करके आए हो, वहां आपको किसी को समझाना नहीं है, आंसर दिखाना है क्या था, समझाने के हिसाब से टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं। बट आप जब अप्लाई करते हो आप अपना वही चीज याद रख के आते हो और वही लिख देते हो, तो तरीका चेंज करना लिखने का। एग्जाम्स में हमेशा कैसे लिखना बताइए, पैराग्राफ्स में। क्या ये ध्यान रहेगा सबको ये वाला आज नोटिंग, क्योंकि ये मैं देखता हूं लोग ऑडिट लॉ में भी ये मिस्टेक्स करते हैं। इवन पिछली बार जब एफएम के साथ मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता था तो इकोनॉमिक्स में भी सिंस दो तीन नंबर का क्वेश्चन होता था, लोग ऐसे कि यहां से दो एरो निकला, यहां से दो एरो, ये ऐसे हो सकते, गलत तरीका। एग्जाम में नहीं अप्लाई करना है वो, क्लास में हम पढ़ते वक्त वो चीज सीखते। क्या डन है सबको इतना सा बात पक्का? तो ये हमारा सिलेबस है। अब इस सिलेबस को पेपर पैटर्न में क्या है बताइए, पेपर पैटर्न कितने मार्क्स का है हमारा पूरा एसएम सिलेबस सर, 50 मार्क्स, सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्या क्या 15 मार्क्स एमसीक्यू कंप्राइजिंग अराउंड 12 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड 3 मार्क्स केस सिनेरियोस। इसमें कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, यहां 15 है तो 15 ही करना है सर। नेगेटिव मार्किंग नॉट एप्लीकेबल, और मेरे ख्याल से अब ये सब चीज लास्ट सब्जेक्ट में आके ना बोलूं तो बेटर है, आप ऑलरेडी 5 बाकी सब्जेक्ट्स में ये सुन चुके हो, लिटरली 5.5 एफएम। क्या डन है सबको पक्का? नेक्स्ट 35 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखना है हमें उसको, उसमें 25-28 मार्क्स क्या रहने वाला है सर, डायरेक्ट क्वेश्चंस सिनेरियोस, और बाकी का 7-10 मार्क्स क्या रहने वाला है बताइए, बोलिए केस सिनेरियोस। तो बताइए फोकस ज्यादा कहां रहेगा हमारा, डायरेक्ट क्वेश्चंस में, ऑफ कोर्स वो बहुत लिमिटेड होंगे केस सिनेरियोस। टोटल 5 चैप्टर में हो सकता है कोई एक या दो चैप्टर का केस सिनेरियो क्वेश्चन आया, बट सर प्रैक्टिस तो सब करना होगा, बिल्कुल प्रैक्टिस सब करना होगा। बोलो डन है सबको इतना सा बात? नेक्स्ट, इतना बात पढ़ने के बाद जल्दी आ, वेरी लेट,
हमारा ओरिएंटेशन क्या रहने वाला है। ओरिएंटेशन नंबर वन, फोकस ऑन डैश वर्ड्स। ऑलवेज फोकस ऑन कीवर्ड्स। हम पूरा मेमोराइज नहीं कर सकते बट हम कीवर्ड्स मेमोराइज कर सकते हैं, तो हम उधर फोकस ज्यादा करेंगे। नंबर सेकेंड, मे बी मेक सम अल्फा और नंबर बेसिस शॉर्टकट्स टू लर्न द मेन कंटेंट। टू लर्न द मेन कॉन्टेंट, बट दिस इज ना वेरी मच स्पेसिफिक। ये सबका अपना अपना होता है, ये जनरली हम कॉमन नहीं बना सकते, फिर भी अगर कुछ बनेगा तो जरूर बनाएंगे साथ में। क्या डन है सबको इतना सा बात? नेक्स्ट नंबर थ्री, बी टू द पॉइंट। इस लाइन का मतलब बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि मेरे टाइम से मेरे मित्र इस टॉपिक में गलती करते आ रहे हैं। कोई चार नंबर का सवाल आया तो उनको लगता था, क्योंकि हम बंगाल बोर्ड के थे, कि आठ पॉइंट तो कम से कम लिखना पड़ेगा। पता चलता है उस पूरे टॉपिक को है ही उसमें तीन पॉइंट, बट आया कितने के लिए? तो जबरदस्ती तोड़ेंगे, अब आठ तो बना के रहेंगे इसको, जैसे तैसे आसपास का कहानी लिख के आ जाएंगे। ये प्रॉब्लम हुआ मेरे मित्रों को जब वो पहुंचे अपने ऑडिट के पेपर में, लॉ के पेपर में। मैं ये महसूस किया कि मैं बैठा था एग्जाम देने और मेरे पीछे वन ऑफ माय फ्रेंड वाज सिटिंग, और जब वो बैठा था और मैं बैठा था, हम लोग जब ऑडिट का पेपर लिख रहे थे, आपको 32 पेज का शीट मिलता है लिखते वक्त, मेरा 24 शीट भरा था और मैंने बाकी सब में ऐसे काट के लिखा था पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर, प्लीज टर्न ओवर, प्लीज टर्न ओवर। हाँ, लास्ट में पेज बचता था, आपको काटना पड़ता है। अगर आप यूज नहीं करते हो कोई पन्ना तो आपको काटना पड़ता है, तो आप वो पन्ना काट रहे हो। जैसे सपोज आपने पूरा लिखा, आपका तीन चार पन्ना लास्ट का बच गया, लू शीट नहीं, किसका पन्ना बच गया, मेन शीट का, तो वो काटना पड़ता है। मेरा पीछे वाला तीन बार तो मैम को बुलाया है लू शीट लेने के लिए, मैम लू शीट, मैम लू शीट, और एक लू शीट में चार पेजेस होते हैं, और वो तीन लू शीट लिया और हमको शर्म आ गया वहां बैठ के कि हम 24 पन्ने में पूरा अंटेंट लिख के हो गया मेरा 100 नंबर। हमारे टाइम में तो एमसीक्यू भी नहीं था, तो हमको लगा यार हम तो गया। ये क्लास में सब लोग एमसीक्यू के लिए, सॉरी पेपर के लिए क्या मांग रहे हैं, लू शीट, और हम तो मेन बुक का भी आठ पन्ना को पीटीओ लिखा है। हम तो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकता। जब रिजल्ट आया, आई रिमेंबर द मार्क्स, उसका आया 43, मेरा आया 71 ऑडिट में। और जब ये ऑडिट में मेरा मार्क्स आया EISM में, हमारे टाइम में EISM था, जो तुम्हारे एक टर्म पहले तक था, मेरा उसमें 63 था। तो मेरे को ये महसूस हुआ कि ये एग्जेम्पशन लाने का रीज़न क्या था मालूम? टू द पॉइंट रहना। हम ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं किए, हमको अगर लगा इस आंसर चार मार्क का है बट है इतना ही लिखने का, तो लिखेंगे उतना ही। जबरदस्ती इस आंसर को ड्रैग करने का दरकार नहीं है कि आठ नंबर का आया है तो कम से कम 16 पॉइंट तो लिखना है, आठ नंबर का आया और छह पॉइंट है तो छह लिख के आना है, बट करेक्ट लिख के आना है, सही वर्ड्स यूज करने हैं। और वो डिफरेंस दिखा मेरे को मेरे पेपर और उनके पेपर्स में। तो ये जो फर्क है ये आपको समझना है थ्योरी पेपर को लेके, स्पेसिफिकली मेरा पेपर। तो मैं तो अपने पेपर में पूरा वैसे ही कराने लगा, हेंस मेरे बुक का नाम क्या है, जिसमें मैं सब चीज कहां गया हूं एकदम टू दी पॉइंट, कोर में, मेन बात पे। अगर मेन बात समझ लेंगे हमको और कुछ बात नहीं समझना, इसलिए आपको ऊपरा ऊपरी दिखावा नहीं दिखेगा मेरे बुक में। मेरे बुक में एकदम कंटेंट है फ्रेश, कोई ज्यादा हेरा फेरी जबरदस्ती पन्ना जोड़ना कि पीछे क्वेश्चंस लिख देना पे बुक बढ़ाने का कोई काम नहीं है। अपने को ये समझना होगा कि अपने मेन कंटेंट पढ़ने वाले
क्या डन है सबको इतना सा बात? तो बी ऑलवेज क्या बताइए, टू दी पॉइंट। फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑलवेज रिवाइज क्यूमुलेटिवली, ऑलवेज रिवाइज क्यूमुलेटिवली। कभी भी पढ़ने बैठो, थर्ड क्लास का रिवीजन कर रहे हो तो 1 2 3 पढ़ना, फिफ्थ क्लास का रिवीजन कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 पढ़ना। सर ऐसे थोड़ी 20 करेंगे तो 1 से लेके 19 क्लास पढ़ेंगे, नहीं यार, उस चैप्टर का जितना क्लासेस हुआ वो जरूर पढ़ेंगे। बट अगर ऐसे करते रहेंगे तो वो मल्टीपल रीडिंग के साथ वो कंप्लीट होगा, प्लस वन टाइम हैंड रिटन प्रैक्टिस। अगर ये हम कर ले, हमारे को कोई भी जन ये नहीं बोल सकता बाद में आके, सर हम भूल जाते हैं। हाँ कुछ कुछ भूलेंगे, बट वो भी क्या है बताए, सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में ये नहीं पूछता है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जितने टॉपिक्स थे सब के सब बताओ, क्या आता है पता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो उस समय अपना सबकॉन्शियस माइंड को क्या ट्रिगर कर रहे हैं अपने मालूम, सिर्फ कौन सा आंसर दे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। बट जब हम घर पे सोचते हैं ना कि चैप्टर याद हुआ कि नहीं, हमारे दिमाग में क्या चलता है मालूम, उसके जितने टॉपिक्स हैं सब याद है कि नहीं, गलत तरीका है। आप ये सोचो कि अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या उसका आंसर आपका दिमाग आपको वापस बता दे रहा है, बता दे रहा है तो याद है सब। आप ये सोचने लगोगे ना कि सर ये चैप्टर पूरा का पूरा हमको याद होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो किसी को याद नहीं है। मैं पूरा पूछ लूँ तुमको सैलरी के सारे प्रोविजंस, सर अरे सारे मत पूछो, आप पूछो ना कि ये वाले में क्या करेंगे हम बता देंगे, बट आप ऐसे बोलोगे कि लाइन से सारे प्रोविजंस और उसके एडजस्टमेंट बता दो तो हो सकता है सर हमें दिक्कत हो। इक्का दुक्का का चैनल है बट बाकी लोग के लिए तो बहुत दिक्कत का बात है। बोलो डन है, सैलरी का नहीं बना पाया, बोलो समझ में आ रहा है ना बात आप लोगों। तो ये जो पर्टिकुलर बात मैंने आपको बताया अभी, ये चीज़ बहुत प्रिसाइजली हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये थे मेरे तरफ से कुछ टिप्स कि हमारा ओरिएंटेशन क्या रहने वाला है अपने लिए। अब बात आता है क्लास में क्या करना है सर। नंबर फिफ्थ लिखिए, राइट डाउन एग्जाम्पल्स एंड सम रनिंग नोट्स इन कॉपी प्लस रेफरिंग इट टू द मेन और कोर रीडिंग बुक। वहां पे मेंशन करेंगे कि ये कोर रीडिंग बुक का कौन सा टॉपिक था जिसके लिए हमने ये एग्जाम्पल लिखा, एंड वाइस वर्सा कोर रीडिंग बुक में लिखेंगे कि ये कॉपी के कौन से पन्ने में जाके इसका एग्जाम्पल या इसके बारे में और विस्तार में कुछ समझा हुआ है। अगर ये काम करेंगे तो रिवीजन करते वक्त बड़ा आराम रहेगा, वरना जब कॉपी खोलेंगे लगेंगे अरे बुक में कहाँ देखना है, और बुक खोलेंगे तो लगेगा अरे कॉपी कहाँ खोलना। अगर इस तरीके से हम कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ेंगे हमें बड़ा मज़ेदार रूप में याद होगा। अगर अभी तक आपने लॉ ऑडिट पढ़ रखा है बट आपने कुछ ऐसे क्रॉस रेफरेंसिंग नहीं बनाए हैं तो आपको बहुत दुविधा होता होगा, बट अगर आप बना लोगे समरी लिख लोगे तो आपको कभी दुविधा नहीं होगा। क्या डन है सबको ये ओरिएंटेशन हमारा पढ़ाई करने का। अब लिखेंगे सबसे पहले आज का हेडिंग इंट्रोडक्शन टू, बताइए क्या नए पन्ने में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा आप सोच रहे होंगे ये आदमी अपने बारे में इंट्रोडक्शन देगा कि नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आप अगर मेरे से पढ़ रहे हैं आप ऑलरेडी मेरे बारे में सब कुछ जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो आई डोंट नीड टू फ्लेक्स इट, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये सब करके मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है ना आपके लिए कोई फ़ायदा है, चुपचाप पढ़ाई पे चलते हैं, मेरा नाम मेरा पता मेरा आज तक का अचीवमेंट्स और कितने कमाते हैं, ना तो मैं आपको एक फूटी कौड़ी देने वाला हूँ ना आपको उससे परवाह होना चाहिए, आपको सिर्फ अपना कौड़ी समझना है कि मेरे को कितना रुपया कमाना है उसके लिए आगे बढ़िए।
क्या डन है सबको इतना सा बात? तो लेट्स इग्नोर रेस्ट ऑल टॉपिक्स एंड स्ट्रेट अवे कम टू द मेन कॉन्टेंट ऑफ आवर सिलेबस विच इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. इंट्रोडक्शन मतलब ऑफ कोर्स सबसे पहले हमें क्या समझना है सर कि ये होता क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है. जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया कि व्हाई दीज फाइव चैप्टर्स आर इन आवर सिलेबस. बट अगर अब मेन अगेन वर्ड्स को तोड़े सारा, तो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलरली दो वर्ड से बना है ये सब्जेक्ट भी. क्या क्या सर? एक स्ट्रैटेजिक, मतलब उसको अगर अपने उसका नाउन वर्ड निकाले तो दैट कम्स टू स्ट्रैटेजी. सॉरी मैं ये सब वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, नाउन प्रोनाउन मैं नहीं करूंगा अगली बार से, मेरी गलती. और दूसरा वर्ड क्या निकलता है सर? मैनेजमेंट. एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ नॉर्मल बीइंग, एज अ बीइंग ह्यूमन, जो भी, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि दो वर्ड में, दोनों वर्ड हम कहीं ना कहीं अपनी निजी जिंदगी में यूज किए. सेकेंड वाला वर्ड तो हम एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ चुके हैं. कब बताओ? 11, 12 बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स सर लिए ही नहीं थे हम लोग, डेयरिंग काम किए थे, मैथ्स उठा लिए थे. तो वो जो एक डेयरिंग है, मैथ्स भी नहीं था, मैथ्स था किनका था? नहीं था. बिजनेस स्टडीज नहीं था, नहीं था 11, 12 में, नहीं था. मतलब ऑप्शन था तो हम बिजनेस स्टडीज को छोड़ा है, वो गलियां बिजनेस स्टडीज छोड़ दिए थे ना आप लोग. ठीक है, बीकॉम पढ़ रखे हैं यहाँ, उसमें कुछ पढ़े हैं थोड़ा बहुत बिजनेस स्टडीज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, है ना, ये सब वर्ड सुनते थे कि नहीं, है ना, फेओल प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेओल. सर क्या चीटिंग किए थे वहां, आपको मालूम है 14 प्रिंसिपल फॉलो करके चीटिंग किए. अगर कोई नोट बनाए ना चीटिंग का तो सुनिएगा, अगर वो पाओ में छुपाए हैं सॉक्स में और एक शूज में छुपाए हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, तो वो जहां जहां चीट है उसका इंडेक्स और रख के रखे हैं कि लेफ्ट पाओ के राइट साइड में मेरा इसका आंसर है, निकालो ये चीट. आई एम नॉट जोकिंग. इस तरीके से मेरा एक दोस्त अपना 12th का इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने गया था, आकाश नाम है उसका. वो आकाश 18 चीट पेपर लेके गया था. अब दिक्कत ही हो गया उसको कि वो 18 कहां पे कौन सा है, तो बोला भाई एक इंडेक्स बनाए हैं कि ये 18 चीट पेपर मेरा यहां पे, ये क्या स्ट्रेटजी था. हम लोग जबरदस्त, एंड ही स्कोर्ड 95 इन हिज बोर्ड्स. अविनाश संचेती स्कोर्ड 87, नवनीत मुंद्रा स्कोर्ड 88, बट ही स्कोर्ड 95 इन हिज बोर्ड्स. उसको एक तुक्का का पैसा का हमको पता है, याद नहीं था क्या चीज क्या है, बट उसको ये जरूर याद करने के लिए यहां रखा था कि कौन से जगह में किसका आंसर छुपाया गया है. सोचो क्या स्ट्रेटेजिस्ट था सर. अभी क्या कर रहा है वो पता नहीं, बट इतना जरूर पता है उस दिन नंबर लाने के लिए तो उसने गजब काम किया था. अब सोचो ये जो इतने सारे मैनेजमेंट टूल्स, एक तरीके से इंडेक्सिंग जैसे अपने सीखे कि क्रॉस रेफरेंसिंग करना, क्या ये सब पार्ट ऑफ प्लान स्ट्रेटजीज रहने वाले हैं हमारे, जैसे हमने लिखा पूरा बात. तो एक वर्ड होता है स्ट्रेटजी और एक वर्ड क्या होता है? मैनेजमेंट. अपने मैनेजमेंट को दो शब्द के तरीके से यूज करते हैं जनरली. जैसे आपने अभी बोला, एक आपने बोला सर मैनेजमेंट वो होते हैं जो कोई कंपनी के लिए काम करते हैं, और मैनेजमेंट वो होता है जिस तरीके से कंपनी काम करता है. लगा नहीं ये दोनों वर्ड में एक जगह ह्यूमन एलिमेंट था और एक जगह ह्यूमन एलिमेंट नहीं, एक जेनेरिक थिंग वाला बात था. क्या सुनना, एक तो हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट ना एक प्रोसेस है, एक जरिया है जिससे हम क्या करते हैं सर, हम अपना काम करते हैं. काम क्या होता है सर? कोई भी बिजनेस में कई काम्स होते हैं, तो सारे फंक्शंस करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसको हम क्या बुलाते हैं बताइए? मैनेजमेंट. जबकि दूसरे एंगल से हम मैनेजमेंट को क्या बोल सकते हैं मालूम? अ सेट ऑफ या ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, बताइए, बोलिए, रनिंग द बिजनेस. सिंपल अगर भाषा में बात करें, क्या ये दोनों नहीं लगता है मैनेजमेंट वर्ड का मीनिंग है? एग्जैक्टली. यानी मैनेजमेंट वर्ड को हम दो वर्ड से समझ सकते हैं, एक एक जरिया यानी प्रोसेस, और एक वर्ड क्या बोले सर? ग्रुप ऑफ पीपल. जरिया क्या चीज करने के लिए सर? बिजनेस चलाने के लिए. और मैनेजमेंट भी किसके लिए? वो पीपल भी किस लिए? बिजनेस चलाने के लिए.
यानी मैनेजमेंट वर्ड के दो मीनिंग निकले, प्लीज ध्यान से सुनना। पहला क्या, वापस बोलिए, पहला क्या बोलिए, एक जरिया, जरिया मतलब प्रोसेस, माध्यम जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं सर, बिजनेस चला रहे हैं। और एक क्या बोले बताइए, ग्रुप ऑफ पीपल जिससे भी हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। तो मैनेजमेंट में भी अ ग्रुप ऑफ पीपल और कैन बी कॉल्ड प्रोसेस, बट अल्टीमेटली दोनों चीज किस लिए कर रहे हैं सर, बिजनेस चलाने के लिए। अब बिजनेस चलाने के लिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं सर, बिजनेस का मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स जैसे हम फाइनेंस में बिजनेसेस के फाइनेंसिंग सीख रहे थे, हम कोई हाउस होल्ड फाइनेंस नहीं सीख रहे थे, हम वहां पे एक घर गृहस्थी कैसे अपना हाउस होल्ड फाइनेंस हम हालता है वो नहीं सीख रहे थे। हम क्या फाइनेंस सीखते हैं बताइए कि सर एक बिजनेस कैसे चलता है। एग्जैक्टली मैनेजमेंट भी कई जगह कई रूप में बोले जाते हैं, बट हमारा कंटेंट कहां तक सीमित है सर, एक बिजनेस को चलाने के लिए क्या मैनेजमेंट रखता है। तो मैनेजमेंट वर्ड का दो मीनिंग, वापस से बोलिए क्या क्या, एक बार बोलते रहिए प्लीज। पहला क्या है, एक जरिया मतलब क्या, प्रोसेस, और एक तरफ क्या है सर, एक क्या, ग्रुप ऑफ पीपल। इस दो थिंकिंग से हम किस वर्ड को समझ सकते हैं, मैनेजमेंट। क्या लगा आगे एक एग्जेक्टिव इसके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होगा सर, वो भी तो समझना जरूरी है। बताओ एक बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी क्या चीज का होना चाहिए, बिजनेस चलाना मतलब कैसे चलाना। एनीबडी, सेल्स आएगा, ओके, और रुपया आना चाहिए, अच्छा ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा लाने का इच्छा है, अच्छा और बोलो, ग्रोथ होना चाहिए, अच्छा और अच्छा एक मिनट, ग्रोथ कौन बोला, ग्रोथ मतलब तुम ग्रोथ से क्या समझता, स्केलेबिलिटी, अच्छा मतलब तुम्हारा रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा, अच्छा और कोई, शेयर होल्डर्स वेल्थ बढ़ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, और बोलो और बोलो, कॉस्ट कम करना, अच्छा ठीक, अच्छा सही बात बताऊं, ये अल्टीमेटली क्या करना है अपने को, आप क्या चाहते हो मालूम, नहीं, ये तो कमाना आपका मोटिव है, बट ये कमाने के लिए आप कैसे स्ट्रैटेजिकली मैनेज करते हो धंधे को, पता है आपको अचीव करना, एक बहुत गोल्डन वर्ड बोल रहा हूँ, बुक्स में शुरू में नहीं लिखा हुआ रहता है बट कंटेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्या सुनना, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है। क्या वर्ड बोले सुने, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये वर्ड सबसे पहले दिया गया था पता है किनके द्वारा आपको, बहुत पहले एडम स्मिथ, जो पता है आपको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते थे, बहुत पहले का बात है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं उनको, और इकोनॉमिक्स इज द कोर सब्जेक्ट, जिसको इकोनॉमिक्स समझना आता है वो सब कुछ समझ सकता है। उन्होंने ये बात बोला था, क्या पता है कि आपको क्या अचीव करना चाहिए कोई भी चीज में, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब उनका कहीं ना कहीं ये वर्ड आया था, डेवलप हुआ था, जिसके बाद डेविड रिकार्डो ने भी आपके लिए क्या गाया पता है, कंपेरेटिव एडवांटेज, वहां पे आया, क्या बताइए, कंपेर, और मैं क्या वर्ड यूज किया बताइए तो, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। सर अब बताइए इस वर्ड का मीनिंग, बताइए आपको क्या लग रहा है, व्हाट डू मीन बाय कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, एनीबडी बोल, ओके, कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कैसे किया जाता होगा, सिंपल सा बात है सर, कंपेटिटिव एडवांटेज मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर चीज में हम बेस्ट है, बेटर नहीं, हम बेस्ट है, अगर कोई ये चीज करा रहा है तो ये इससे बढ़िया नहीं करा सकता, अगर हम ये अचीव कर ले तो हम क्या अचीव कर चुके हैं बताइए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब हम अपने कंपटीशन में सबसे एडवांटेजियस है, मोनोपोली नहीं हो सकता, हमको क्या अचीव करना है बताइए, बोलिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मालूम है लोगों को कि इस चीज को अगर बताना है तो ये चीज, ये काम, ये पर्टिकुलर थिंग मेरे से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। सर ये बिलीव है कि ये सच में अचीव करना, ये सच में अचीव करने को क्या बुलाते हैं बताइए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर हाउ कैन वी से कि वी हैव अर्न्ड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जब ये समझ लेना, जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो मार्केट में अपने बोलते हैं ना यार इसका नाम सुने हैं, इसका नाम सुने हैं, एक होता है ना इसका नाम सुने हैं। दूसरा सर, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा लोग वही पर्टिकुलर चीज़ यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि उन्होंने क्या अचीव कर लिया बताइए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लाइक कोलगेट, कोलगेट हर घर पे, और आज के दिन पे अगर कोई उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को उसका कम करने का कोशिश कर रहा है तो इट्स एन इंडियन कंपनी, पतंजलि।
पतंजलि, अब जैसे मैंने बोला कि मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स लूँगा जो अपने हाउस होल्ड से चालू होते हैं बट अगेन बिजनेस तक लेके जा रहा है, तो मैं आपको बता दूँ वो एक ऐसी कंपनी बना रहा है पतंजलि जो कि क्या करने वाला है बताइए सर, अब उसका जो कंपिटेटिव एडवांटेज है ना वो कम करने वाला है। मतलब आने वाले टाइम में ये अपने देखने वाले हैं कि हर घर दंत कांति होगा, हर घर कोरलेट होगी नहीं पता नहीं बट दंत कांति तो पक्का होगा। सर हम तो क्लोजअप यूज़ करते हैं ना क्योंकि उसमें बोलता है पास आओ, वो होता नहीं है, ट्राई मत कर लेना, वो सब दिन भर सुबह सुबह करके आने से कोई फायदा नहीं है, तो मार और खाओगे उल्टा, तो मुंह में जाके उसके फूंक और, तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं हुआ। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब तुम देखते हो कि हर घर में सर देख रहे यही पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जो भी इस चीज को यूज करता है या इसके बारे में बात करता है तो इनका बात तो होता ही है। से फॉर एग्जाम्पल सीए का कोचिंग, नवीन क्लासेस का बात होगा ही होगा, अगर होगा ही होगा मतलब क्या किए हैं हम लोग सर, हम लोग कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर चुके हैं। अगर बात होगा ही होगा मतलब वी हैव अचीव्ड व्हाट बताइए, कंपेटिटिव एडवांटेज। तो इसको बोलते हैं अचीविंग व्हाट बताइए, कंपेटिटिव एडवांटेज। तो एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है सर, एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वो होता है वो जरिया जिससे हम क्या अचीव कर सके बताइए, कंपेटिटिव एडवांटेज। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड। क्या लिखेंगे ये दो बात एक बार कॉपी में लिखिए, पहले मैनेजमेंट वर्ड लिखेंगे और दो एरो निकालेंगे, वैसे इन सब के ऊपर विस्तार में लिखा हुआ है मैं लेके जाऊंगा बट अभी क्या कर रहा हूं बताइए, एक बार लिखवा दे रहा हूं शॉर्ट में। हाँ कई लोग रनिंग में उतार लिए वेरी गुड, बट कोई नहीं उतारे हैं तो फटाफट लिखेंगे। मैनेजमेंट से अभी दो एरो बताइए क्या क्या वर्ड बोले थे, एक इट इज अ प्रोसेस और एक तरफ इट इज अ ग्रुप ऑफ और सेट ऑफ पीपल। अल्टीमेटली व्हाट दोनों ही जुड़ के वापस क्या बना सर, टू रन बिजनेस। अब है अंदर का बात और डिफिकल्ट, मतलब और कुछ भी वर्ड्स याद रखने बट जो जो मेन वर्ड हो सकता था मैं वो यहां पे आपको पहले लिखवा रहा हूं। क्या डन है सबको इतना सा बात, आगे क्या एग्जेक्टिव लगा बताइए तो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर ये भी क्या हुआ, अगेन इट इज अ प्रोसेस और वॉट बताइए, और वॉट सेट ऑफ पीपल टू अचीव बताइए क्या, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन बिजनेस। याद करूं मैनेजमेंट होता क्या है, वही जो बिजनेस चलाए। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है सर, बिजनेस ऐसे चलाए कि हम क्या कर सके बताइए, कंपिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सके। इस तरीके से बिजनेस चलाने को, या जो ग्रुप ऑफ पीपल इस तरीके से काम करते हैं उनको क्या बुलाते हैं बताइए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या वर्ड का मीनिंग क्लियर है, तो अब यहां से एरो निकालेंगे किस वर्ड से बताइए, कंपिटिटिव एडवांटेज। व्हाट डू यू मीन बाय कंपिटिटिव एडवांटेज सर बताइए, कैसे बोल सकते हैं कि हम कंपिटिटिव एडवांटेज अचीव कर चुके हैं सर, व्हेंस बताइए, वी आर एन ऑप्शन फॉर एटलीस्ट क्या, मोर देन 50% ऑफ द बिजनेस मार्केट शेयर। क्या समझ में आ रहा है बात, ऑप्शन होने चाहिए, अब ले ना ले जनरली हो या ना हो बट एटलीस्ट एवरीबडी इज नोइंग कि ये है। कभी क्या होगा, कोई किसी को आउट परफॉर्म करेगा, कभी कोई किसी को, तो कभी कोई वापस से मार्केट में घुसने के लिए काम करेगा, लाइक यू नो नोकिया। अच्छा आपने इनका नाम भी सुना है, नहीं मोटोरोला तो नहीं सुना होगा आपने, मैं पूछना चाहता हूँ ब्लैकबेरी सुना है, ब्लैकबेरी नोकिया ना, जानते भी नहीं थे लोग सैमसंग क्या है, लोग आईफोन नहीं जानते थे, अगर कोई ब्रांड में जानते थे तो ब्लैकबेरी जानते थे। अरे वो कपड़ा का नहीं बात कर रहा हूँ, फोन में आता था उस समय, जबरदस्त फोन था, कीपैड का बहुत जबरदस्त, उसका अपना मैसेजिंग अलग तरीके से होता था, जैसे आई मैसेज होता है ना उसका बी मारा मैसेज होता था, तो वो जो ब्लैकबेरी होता था वो होता था कि हाई क्लास लोग यूज कर रहे हैं, और अगर कोई नॉर्मल सब यूज करते तो हर घर नोकिया था। ये जो हर घर नोकिया था ना उस समय, रातों रात लगा एक सॉफ्टवेयर के वजह से वो आउट परफॉर्म हो गया। एनीबडी नोज दैट सॉफ्टवेयर नेम, वेरी गुड, एंड्रॉयड। तो सर एंड्रॉयड कैसे कोई फ़ोन को बाहर कर सकता है, फ़ोन ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। नोकिया बोला हम अपने अंदर वो वाला ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं लाएंगे, हम अपना विंडोज़ ही चलाएंगे। और वहीं सैमसंग
यानी अदर कोरियन फोन्स ने क्या किया बताइए, उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया, और सिंस इतना अच्छा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर था कोई कि उसके वजह से वो बाहर हो गया। मतलब फ़ोन में कोई कमी नहीं थी, सिर्फ एक गलत डिसीजन, क्या बताइए, कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करना, और उस वजह से ख़त्म। अब अगर वही चीज़ वो कर लेता तो शायद आज भी सब घर क्या होता बताइए, नोकिया। अब ये चीज़ करने के तरीके कैसे करते हैं अचीव, वो हम आगे सीखेंगे, बट इसको अचीव करना कि हर घर जो फ़ोन है उसको क्या बुलाते हैं, सर वी हैव अचीव व्हाट, कंपेटिटिव एडवांटेज, बोलो। नहीं, हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, तो वो पर्टिकुलर चीज होता है कि मैंने कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर लिया। अब वो गेन करने के लिए जो पॉलिसीज हम बना रहे हैं वो तो मात से कर रहे हैं, बट ये अचीव करना हमारा क्या है मकसद। ये वापस से पढ़ लाइन क्या लिखा, इट इज अ प्रोसेस टू व्हाट अचीव, ये नहीं कि कर चुके हैं, हमको करना है ये। अगर हम ये कर लिए तो मतलब हमने क्या किया, अपना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर लिया। हाँ करेक्ट, कैसे हिस्टोरिकल डेटा, मैं तो बोल रहा हूँ आने वाले टाइम के लिए। अभी मेरे पास मान लो 10% शेयर है, मान लो FMSM पढ़ाता हूँ मैं इंडिया में, और इंडिया में जितने टीचर्स हैं सब मिला के मेरे पास 10% लोग आते हैं, कोई के पास 10% जाते हैं, कोई के पास 25% जाते हैं, और कोई के पास 12% जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो किसका कंपेटिटिव एडवांटेज है, सर आप बोलते थे बचपन में इस मार्केट को PC मार्केट बोलते हैं, जहां पे हर कोई कुछ ना कुछ क्या कर रहा है बताइए, कहीं ना कहीं है, बट फिर भी हो सकता है इनके अंदर क्या हो, कोई एक क्या हो सबसे ऊंचा, और उस ऊंचा में भी क्या होना पड़ेगा आपको 50 के ऊपर। दिस इज लीगल डेफिनेशन ऑफ व्हाट अचीविंग व्हाट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बट यस, अब अगर मैं जेनरिक बात करूं तो सर आप इतना ज्यादा क्यों देख रहे हो, आप पहले ये देखो ना कलकत्ता में कौन कितना है, आप पूरा इंडिया का बात क्यों कर रहे हो। अब वो हो गया क्या, मैंने सैंपल साइज चेंज कर दिया तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चेंज हो गया। तुम किससे कंपेयर किया मालूम, तुम बोला सर एक गली का मैं देखो, इस गली में हम राजा है, कि नहीं फिर सर इस मोहल्ले में देखो हम राजा है, नहीं सर इस कलकत्ते में देखो हम राजा है, नहीं सर वेस्ट बंगाल में देखो हम राजा है, नहीं सर इंडिया में देखो हम राजा है। तो वो तो सैंपल चेंज करते करते अभी तुम्हारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इस प्रोसेस टू अचीव व्हाट कंपेटिटिव एडवांटेज। अब तुम बोलेगा एडवांटेज हमको कहाँ गेन करता है, सिर्फ इंडिया में, और कोई का क्या हो सकता है मालूम, ग्लोबली, कोई को क्या करना है बताइए, ग्लोबली, कि ग्लोबली मेरा मार्केट शेयर क्या होना चाहिए बताइए, 50% से ज़्यादा। तो वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नया आ गया, तो वो अब मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। तो वो सब चीज़ हम वापस से पढ़ेंगे, बट अल्टीमेट क्राइटेरिया क्या है हमको, कि हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन अगर बोले तो इट इज डेल्ट विथ व्हाट टू अचीव व्हाट कंपेटिटिव एडवांटेज, और लिटरल मीनिंग ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज इज व्हाट, टू हैव अ शेयर ऑफ व्हाट बताइए, या टू अचीव अ शेयर ऑफ व्हाट मोर देन 50% द मार्केट, अदरवाइज यू हैव नॉट अटेंड कंपेटिटिव एडवांटेज नॉट। अगर आप मार्केट शेयर का कितना अचीव कर लिए 50 से ज्यादा तो आप क्या बोलते हो कि आपने क्या अचीव कर लिया बताइए। जैसे आपने होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी पढ़ा, आप एक तरीके से बोल सकते हो सर 49% भी लिए हैं, तो एक तरीके से सर देखिए तो मेरा ही डिसीजन है सर, बट बोला कब जाता है कि तुमने 50 से हल्का सा ऊपर, अच्छा वर्ड इज मोर देन 50 भी नहीं क्या, अब तुम बोल अगर हम 50 कर लिया तो भी हम क्यों नहीं होल्डिंग है, लीगली नहीं हो बट एक तरीके से देखे सर तो मोटा मोटी कंट्रोल मेरे हाथ में ही है, अब कोई भी जन SR in GM तो पास नहीं कर सकता मेरे डिसीजन के बिना, बट फिर भी तुम क्या नहीं हो बताओ, होल्डिंग नहीं हो। तो ये लीगल डेफिनेशन है, अगर आप प्रिसाइजली जाएंगे तो अलग अलग जगह अलग अलग बात होता है। बोल। क्या बोला सुनना, ये 12% मार्केट शेयर कोई एक पर्टिकुलर मैचस्टिक कंपनी ने लिया और बाकी 88% बोला रेस्ट ऑफ द कंपनीज कर रहा है, बोलो। करेक्ट, तो कहां से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आया, तो उसका मतलब थोड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो तुम प्राइस मेकर है कंपनी का, ये तो ओलिगोपॉली वाला टाइप का तुम बात किया, सुनना क्या बोला, जैसे कोक और पेप्सी,
अब ये दोनों में कौन कंपिटेटिव एडवांटेज लेके रखा है ये जानना डेटा पे है। एक बोलेगा क्या बताए हम लेके रखे, एक क्या बोलेगा मालूम हम लेके रखे, क्यों? सब अपना अपना बिजनेस स्ट्रेटजी है बोलने का। कोई को कोई फिगर्स मैनुपुलेट करने के लिए क्या बोल देगा, कोई ग्लोबली बोल देगा, कोई बोलेगा कनाडा में मेरा सबसे ज्यादा है, कोई बोलेगा देख इंडिया में हम ज्यादा बिकते हैं बिकॉज ऑफ थम्स अप। तो अब ये जो पर्टिकुलर चीज है, तुम जो बोला कोक पेप्सी या कोई एक पर्टिकुलर हिंदुस्तान मैचस्टिक्स, ये लोग सब क्या किए, प्राइस मेकर है। क्योंकि ये लोग क्या किए, कार्टल फॉर्म कर लिए कि अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे बताइए, मिला के प्राइस चार्ज करेंगे। कस्टमर ओरिएंटेड नहीं, हम कौन ओरिएंटेड बात करेंगे बताओ, इंडस्ट्री ओरिएंटेड। कहाँ डिसाइड किया, तो मिल के बात किया ना, बाकी लोग के लिए भी तो ये कंडीशन। अच्छा बाकी लोग नहीं बात करता तो मना कर देता तो कैसे खा लेता, क्या करके तो गिरा नहीं सकता। कंपटीशन एक्ट 2002 उसको रोक देगा क्या, बट खत्म। या अगर ऐसा ही होगा तो कोक सबसे पहले 1 रुपया में पेप्सी बेचेगा, अपना कोक बेचेगा कि पूरा पेप्सी का मार्केट खत्म, और वही पेप्सी बोलेगा 1 रुपये में बेचते हैं पूरा मार्केट खत्म। तो करेक्ट, यही तो बोले। तो अभी कंपटीशन एक्ट के साथ हम कैसे कंपटीटिव एडवांटेज गेन करें, बस करना पड़ेगा पढ़ लेते हैं। तो लेट्स अस नॉट डिबेट एनी मोर। देखो मैं सच बताता हूं, सब्जेक्ट को लेके ना माथा फोड़ी ज्यादा करेंगे तो खुद परेशान हो जाएंगे। लेट अस स्टडी टू दी मेन पार्ट, और ये समझते हैं कि कुछ कुछ चीज बाई हार्ट समझना भी पड़ेगा, कि यदि हमको अच्छा नहीं भी लग रहा है तो भी ऐसा है कि ये होता है तो होता है। जैसे कई बार टैक्स में लॉ में ऐसा फील लगता है कि शायद ये ऐसा नहीं, काश ऐसे होता, बट कोई उपाय नहीं है। अगर ऐसा होता ही तो इतने अमेंडमेंट्स क्यों आते, और अगर ऐसा होता ही तो सारे कंपनीज ही अगर ये फॉलो करेंगे तो सभी तो क्या बन जाएंगे, सभी बोलेगा हम कंपटीटिव एडवांटेज गेन करना चाहेगा। अगर सभी सही डिसीजन लेते तो आज कभी, ये वही वाली बात हो गई बच्चा कि शेयर मार्केट में अगर सबके पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो कैसे होगा कि सामने से कोई बेचने आ रहा है और कोई खरीदने आ रहा है। पक्का कोई के पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि ऊपर जाएगा और किसी को क्या लग रहा है। अगर वही हो जाएगा तब तो तुम एक तरफ मार्केट में खड़ा रहेगा, एक तरफ खाली चित, कभी कोई इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता। लेट अस नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस। एंड ये दो पॉइंट लिख लिया क्या आपने, अब हम पढ़ते हैं इसका बुक कंटेंट। रेफर करो पेज नंबर, बुक में रेफर करो पेज नंबर 1, पेज नंबर क्या 1। और कॉपी में भी, बुक में भी लिखोगे कि आपने ये जो थीम वाला पार्ट है वो कॉपी के पेज नंबर में भी 3 या 2 में चालू किया, क्योंकि एक पन्ना शायद आपको वो सब ज्ञान लिखने में लग गया। ये क्या लिखा है मैंने, कॉपी का पेज, और वहां क्या लिखा है मैंने, बुक का पेज। अगर ऐसे आप रेफरिंग करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए लेट अस नाउ अंडरस्टैंड दीज 2 वर्ड्स अगेन। थीम, लेट्स ब्रेक द टर्म। क्या क्या टर्म था बताइए इस सब्जेक्ट में, एक स्ट्रेटजी और एक मैनेजमेंट। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्या, मैनेजमेंट। द टर्म मैनेजमेंट कैन बी यूज्ड इन 2 सेंसेस, जैसे मैंने बोला 2 वर्ड का मीनिंग है। देखिए की वर्ड हाईलाइटेड है, की क्या, की वर्ड भी नहीं और की वर्ड हाईलाइटेड है, कीवर्ड हाइलाइटेड है। की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, यानी बिजनेस डिसीजन लेने वाले जो मेन पर्संस होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं बताइए, बोलिए मैनेजमेंट। तो सर वर्ड क्या आना चाहिए, की ग्रुप, कौन, इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर। इट्स अफेयर मतलब किसके अफेयर, बोलो ना, ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या, कंपनी के अफेयर्स। दिख नहीं रहा है क्या, आ गया। The survival and success of an organization depends to the large extent on the competence and character of its management. अपने जैसे बोलते हैं ना, कंपनी क्यों फेल किया, कारण इसका मैनेजमेंट वीक था। जैसे अपने बेस्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं विजय माल्या कि सर उसका कोर मैनेजमेंट टीम क्या कर दिया, सर वीक हो गया, खराब हो गया, सही लोग नहीं थे जो सही फाइनेंशियल और जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस थे वो नहीं ले पाए, तो उस वजह से वो फेल हो गए। यस देयर आर अनिल अंबानी, तो कई अपने तो बड़े बड़े नाम सुनते हैं तो बड़े बड़े नाम याद है, बट इस बाबू को सारा याद होगा और भी छोटा छोटा, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ एक बार के लिए अपने अपना लिमिटेड कंटेंट के हिसाब से चलते हैं, जो जनरल मास समझे। क्या डन है सबको इतना सा बात, जो चर्चा करने वाली बात है वो बाद में करेंगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है सर, उनके क्या कॉम्पिटेंस, व्हाट डू मीन बाय कॉम्पिटेंस, उनका क्या
अचीवमेंट्स है, जैसे अपने बोलते हैं ना कॉम्पिटेंस होना चाहिए, जैसे आपकी कॉम्पिटेंस क्या होगी, आप क्या बन चुके होंगे जब सीए, तो आपकी कॉम्पिटेंस होगी उसके अंदर की, आप कोई भी चीज का ऑडिट या आप कोई भी बुक्स को पढ़ना आपसे अच्छा कोई नहीं जानेगा, मतलब कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करने का तरीका आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा, तो वही आपने कॉम्पिटेंस अचीव किया। और वैसे ही नेक्स्ट क्या दिख रहा है बताइए, कैरेक्टर। अच्छा, आज के डेट पे ये कैरेक्टर्स एंड वैल्यूज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्चुअल क्या आपने अचीव किया। जैसे अपने बोलते हैं ना पैसा तो बहुत कमाया वो, बट आदमी मन का अच्छा नहीं है, बोलते हैं अरे मतलब ये लगता है किसके तेरे के मन में किसका बात आया आपको पता नहीं, बट ये रिलेट कर पाया, बोलता है अपना ही मारेंगे। बोलता है कि सर पैसा तो बहुत कमाया बट सर आदमी अच्छा नहीं था सर, है ना। तो अरे यार तुम लोग कहाँ जा रहे हैं, यहाँ हो वापस से। तो सर ये जो पैसा बहुत कमाया बट आदमी अच्छा नहीं है, या वो चीज़ जो अपने मन में बोलते हैं ना, ये कैरेक्टर का बात आ जाता है, एक एथिक का बात आ जाता है, एक वैल्यूज़ का बात आ जाता है। तो आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ तुम पढ़ा लिखा अच्छा, मतलब होता है ना कि नॉलेजेबल पर्सन हो, पैसा कमाना हो जरूरी नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखते हैं बताइए हम, उसके अंदर का कैरेक्टर कैसा है। क्या डर है ना बात, जैसे मैंने आपको बताया रामचरितमानस याद है आपको पढ़ाया था, सब चीज़ में ऊपर कौन थे, रावण, बट राम सिर्फ एक चीज में उनसे आगे था, चरित्र। चाहे कुछ भी देख लो, धन, पॉलिटिकल पावर और रियल बल पावर और नॉलेज और शास्त्र का बुद्धि, जितना भी भक्त, उनसे बड़ा कोई नहीं था, उनसे बड़ा कोई नहीं था, बट एक ही चीज में वो मार खा गए और वो था चरित्र। उनका चरित्र खराब था, इसलिए रामचरितमानस हम पढ़ते। तो यही जैसे वर्ड हुआ क्या, कैरेक्टर, कि सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंस होना जरूरी नहीं है, क्या वर्ड आना चाहिए बताइए, कैरेक्टर। क्या याद रहेगा राम जी के नाम से, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। चल तो ये दो वर्ड अंडरलाइन करो, एक क्या कॉम्पिटेंस और एक क्या वर्ड बताइए, कैरेक्टर, वन एंड टू। तो दोनों सीसी है, तो ऐसे याद रह जाएगा सीसी, ठीक है। अब वही है, बनाने को कुछ भी बनाओ, तुम लोग अपना गाली देगा, कोई नया वर्ड बना देगा, हे चुप, सीसी, ठीक है, बोलो। चलो चलो चलो, क्या दिखा आपको ये दो वर्ड पक्का, एवरीबॉडी देखो, अब ये तुम बात करेगा तब पढ़ी मत पढ़ाई, तुम लॉ में क्या पूछता है तब, ये सब कैसे पूछ रहा, तुम लगता है ऑडिट का क्लास लाइव करने नहीं जाते, एक क्लास में आ गया ना ये। उस आदमी का माथा खा देख, वो तेरे को जला नहीं देता। चलो सहलेंगे थोड़ा, समझे, चलो पढ़ो, इतना मत सोचो, लिखना ज्यादा जरूरी है, नंबर तभी मिलेगा, बात खत्म। आइए, मैनेजमेंट हैज ऑल्सो फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस एंड अडेप्शन ऑफ इफेक्टिव इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। क्या यही हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो मैंने बोला आपने को क्या करना होगा, एनवायरमेंटल एनालिसिस, यानी हमें क्या करना है मैनेजमेंट को, हर बेसिस पे क्या एनालिसिस करना और अडेप्ट करना है जो भी चेंज है। जैसे बोला नोकिया, क्या अडेप्ट किया, नहीं किया, तो इसलिए फेल हो गया। तो जो लोग अपने डायनेमिक इन्वायरमेंट के जल्दी से अडेप्ट नहीं करेंगे वो फेल होंगे। लाइक कोविड में कई टीचर्स थे जो कलकत्ता में नंबर वन पोजीशन पे आते थे, मतलब लोग सुनते भी नहीं थे दूसरा कोई नाम, कि वहाँ पहले घंटा बजाना है, कि पहले तो एडमिशन वहीं लेके आना है, मंदिर था वो मंदिर। बट कोविड में एकाएक वाइट वॉश्ड, बिकॉज क्या हुआ सर, टेक्नोलॉजी का चेंज, वो जल्दी से अडेप्ट नहीं कर पाए। तो सिंस वो टेक्नोलॉजी अडेप्शन नहीं ले पाए तो उनका मार्केट शेयर खत्म। तो यही बात है कि डायनेमिक इन्वायरमेंट में आपको क्या करना आना चाहिए बताइए, अडेप्ट करना आना चाहिए। क्या क्लियर है सबको, पक्का एवरीबॉडी। नेक्स्ट, द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज टू रेफर वॉट, अंडरलाइन द वर्ड, क्या, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड, जो मैंने तुमको वर्ड बोला क्या, फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। क्या मैंने वर्ड लिखवाया आपको ऑलरेडी, क्या वर्ड था बताइए, प्रोसेसेस एंड फंक्शंस कैरिड आउट बाय दी, देखो वापस से वर्ड क्या लिखा, मैनेजमेंट, समझाने के लिए मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट वर्ड का डेफिनेशन में क्या ला दिया, मैनेजमेंट। बोलता है मैनेजमेंट इज दैट, जो एक तरीका है जो मैनेजमेंट करता है, अरे तो गजब बात हुआ, मतलब ऊपर सिंस मैनेजमेंट वर्ड समझा दिया तो अब उस वर्ड को रिलेट कर रहा है। इससे सेकंड वाला मैनेजमेंट किससे मतलब है पता है, एक्चुअली मैंने इसका डेफिनेशन तुमको इसलिए क्या बोला पता है, मैनेज बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, इज अ प्रोसेस बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ काट के लिखोगे कि ये वर्ड की जगह बेटर वर्ड क्या है यहाँ लिखना बताइए, आउट बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल,
क्योंकि ये वर्ड वो इसलिए यूज कर पा रहा है क्योंकि उसने ऊपर मैनेजमेंट को वो नाम से यूज किया। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको प्रॉपरली ऐसे लिख के आएंगे। बोलो समझ में आ रहा है? जैसे कि जैसे अपने बचपन में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े थे, याद नहीं है कुछ वर्ड्स? दिस इंक्लूड्स क्या क्या लिखा हुआ है देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब सुनते थे कि नहीं आप लोग? तो ये वही है बचपन का बेकार बात। सर क्या क्या करना? प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, स्टाफिंग करना और कंट्रोल करना, ये सब बहुत बार अपना पढ़ा हुआ है छोटे मोटे लेवल्स में। नेक्स्ट क्या है? द फंक्शंस और सब प्रोसेसेस ऑफ अ मैनेजमेंट आर वाइड रेंजिंग, बट क्या ऐसे देखा जाए तो ये बहुत सारे काम है बट ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, अपने इन सब चीज में ज्यादा डिस्टिंग्विशन नहीं कर सकते। क्या इजी वर्ड था क्या बताइए? मैनेजमेंट। तो दो नंबर के लिए आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, बट एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से नहीं आ सकता, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोले तो लेस इंपॉर्टेंट। हम दो काम करेंगे, अगर कोई चीज लेस इंपॉर्टेंट है तो उसके आगे एक डाउनग्रेड साइन बनाते रहेंगे ताकि ये याद रहे कि ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए, बट समझते हैं भाई शुरू करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, सिंस एमसीक्यू है सिलेबस में तो उसमें काम का बात हो सकता है। क्या बोल सकता है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ग्रुप ऑफ पीपल, सी ए और बी और डी नन, तो हो सकता है ना आंसर क्या लिखना पड़े अपने को, सी ए और बी। क्या बोलो, डन है सबको इतना सा बात? चलिए नेक्स्ट क्या वर्ड दिखा बताइए? नाउ वॉट वर्ड पढ़िए, नाउ वॉट बताइए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या मतलब होता है वर्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी वापस से क्या है? एक प्रोसेस यानी सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट वॉट फर्म्स मैनेजर्स, क्या इस बार वर्ड चेंज किया, मैनेजमेंट की जगह क्या वर्ड यूज किया वालू, मैनेजर्स, ठीक है ये वर्ड मेरे को कोई दिक्कत नहीं अगर वो लिखता है तो। हाँ, ग्रुप ऑफ पीपल की जगह क्या वर्ड यूज करने लग गए अब, मैनेजर्स, ठीक है। अंडरटेक्स यानी हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, टू पुट देयर फर्म इन बेस्ट पॉसिबल पोजिशन टू कंपीट सक्सेसफुली इन मार्केट प्लेस, क्या इसी के लिए मैंने बोला कंपिटेटिव एडवांटेज, लिख के रखो ब्रैकेट में क्या वर्ड याद रहना चाहिए यहाँ, कंपिटेटिव एडवांटेज, कि हम मार्केट प्लेस में सक्सेसफुली प्लेस हो गए, कि अब इसका मेरे को सब लोग जानता है, प्लेसिंग है मेरा इस मार्केट में, सब कोई मेरे को जानता है, या एटलीस्ट 50% से ज्यादा लोग के लिए आई एम हैविंग एन ऑप्शन। बोलो डन है सबको इतना बात, पक्का एवरीबॉडी क्लियर है? अब वही आगे लिखा है कि ये और भी इंक्लूड करता है, जैसे आप कुछ वर्ड्स देखोगे मिशन विजन, जो कि मैं आगे वर्ड्स के तौर पे लिखाऊंगा, बट जितना मैंने अंडरलाइन करवाया है वो काम का बात था। इजी है, अगेन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां होता है हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, विच इज व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड व्हाट बताइए, स्ट्रेटजी। और ये था हमारा थीम ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ कितना देर लगा मालूम अपने को पढ़ते हुए? 1 घंटा 20 मिनट, जहां हमने अभी समझा इस चैप्टर का थीम और सब्जेक्ट का थीम। क्या सबको क्लियर है ये वाला बात? पक्का एवरीबॉडी? क्या अगला वर्ड की ओर आज चल सकते हैं? पक्का? तो चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या दिख रहा है बताइए आपको? ऑफ कोर्स अब एक वर्ड और समझना जरूरी है, क्या बताइए? स्ट्रेटजी। आ जाइए वापस से कॉपी में, आ जाइए वापस से कॉपी में, आ जाइए वापस से कॉपी में, रेडी एवरीबॉडी? और एक हेडिंग देंगे, क्या वर्ड बताइए अब? स्ट्रेटजी। चलिए एक लाइन बोलता हूं बताइए इसमें स्ट्रेटजी क्या हुआ, एक लाइन बोलता हूं बताइए इसमें स्ट्रेटजी क्या हुआ। I want to become a CA और इसके लिए मैंने नवीन क्लासेस में ट्यूशन लिया, इसमें से स्ट्रैटेजी क्या है? Wants to become a CA कि नवीन क्लासेस में ट्यूशन लिया, क्या ये स्ट्रैटेजी है मेरा कि नवीन क्लासेस में अगर ट्यूशन लेंगे तो CA बनेंगे? अरे वाह क्या बात बोले! तो बोलिए ये जो पहला वाला बात था बिकमिंग अ सीए, ये हमारा स्ट्रेटजी नहीं है, स्ट्रेटजी है उसको अचीव करना। यानी स्ट्रेटजी तरीके होते हैं जिससे हम कुछ अचीव करते हैं, यानी स्ट्रेटजी इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव, स्ट्रेटजी इज
किस तरीके से हम उसको अचीव करने हैं। यानी अल्टीमेटली एक वर्ड बोलूँ सिनोनिम के तौर पे, तो इट इज़ कॉल्ड अ प्लान। स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट प्लान, कि हमने जो पूरा प्लान बनाया, एक ब्लूप्रिंट रचा है। सुने हो कभी ये वर्ड? क्या बहुत बार आपने सुना होगा ये वर्ड, कॉस्टिंग में भी सुना है। हम क्या बताते हैं, अपने एक भूमि रचते हैं, क्या बोलते हैं ना, अपने रूपरेखा रचते हैं। तो वो जो रूपरेखा रचते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सके बताइए, वो अचीव कर सके जो हमें पाना है, उस भूमि को, उस ब्लूप्रिंट को हम क्या बुलाते हैं बताइए, बताइए स्ट्रैटेजी। अच्छा क्या ये भूमि, मैंने ये बोला हमको फाउंडेशन पास करना है, हमको ये 14 तारीख को वैलेंटाइन रखना है, हमको ये पर्टिकुलर इंटर को स्टम में क्लियर करना है, नहीं, मैंने क्या बात किया मालूम, सीए बनना है, सक्सेसफुल सीए बनना है, पैसा कमाना है। ये जो पर्टिकुलर बात मैंने अभी आपको बोला, क्या ये एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है कि मेरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यानी स्ट्रैटेजी इज नॉट अ शॉर्ट टर्म प्लानिंग, स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग, हाँ इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस शॉर्ट टर्म प्लान्स, बट एक बड़ा बात करें तो स्ट्रैटेजी इज नॉट अ शॉर्ट टर्म प्लानिंग, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लान। और द वर्ड जो अच्छा वर्ड निकला था मेरे मुंह से, याद करो क्या वर्ड बोले, ब्लूप्रिंट, क्या वर्ड याद रहना चाहिए, तो ये वर्ड प्लान की जगह बोलना क्या सही है बताइए, ब्लूप्रिंट। बट सर वही है, हमको प्लान इजी लगता है, बट एग्जाम में वो आंसर में क्या चाहता है, हम क्या लिखे, ब्लूप्रिंट। इसलिए मैं फोकस ज्यादा ब्लूप्रिंट में कर रहा हूं, बट अगर लिटरल मीनिंग देखे तो इट मींस अ प्लान। तो बताइए क्या बोले, वापस से बोलिए क्या है वो, एक बताइए लॉन्ग टर्म, और भी क्या वर्ड आगे लगाओगे, लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट। क्या करने का सर, क्या करना, जो मेरे क्या है बताइए, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, विजन्स, मिशंस, उनको अचीव करना। यानी क्या ये हमको पाथ बताएगा, तरीके बताएंगे जिससे हम अल्टीमेटली क्या कर सके, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, मिशन, विजन्स को अचीव कर। सर आप तब से ये चार वर्ड बोल रहे हो, ये चार वर्ड आप समझाओगे तो आने वाला टॉपिक यही है क्या, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। आप देखोगे मेरा अगला हेडिंग है 3, देखिए क्या, देखिए टॉपिक नंबर 3, पूरा तरीके से बुक बनाए हैं, मजाक नहीं, क्या दिख रहा है आपको बताइए, सम इम्पॉर्टेंट, मतलब इतने देर से जो आप बखान कर रहे हो शब्दों का, अगर वही ना समझे तो शायद ये सब्जेक्ट ना समझे, इसलिए अगला टर्म ही क्या लिखा हूँ बताए, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, वो तो समझना ही है, बट उससे पहले क्या बोला समझे, डिजायर्ड क्या करना, अचीव करना। अब अगर कोई कोई ये चीज़ याद रखना है तो अच्छा बात सुनना, बोलता है स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है, क्या करना है, क्या वर्ड बोले सुने, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। हंसो मत, क्या बोले वापस से बताओ, वापस से बोलो क्या बोले, क्या करना है, फिर क्या बोले, कैसे करना है, फिर क्या बोले, ताकि जो सोचे वो हो सके या बन सके। तो ये जो कितना करना है, अब सब चीज मत डाल, अल्टीमेटली जो चाहते हैं बनना उसके लिए 3 जवाब मांगते हैं, क्या क्या बात जवाब मांगते हैं बताइए, तो क्या करना, दूसरा क्या बोला, कैसे करना, तीसरा क्या बोला, कहाँ करना। अगर ये 3 जवाब का सवाल, जवाब का सॉरी क्वेश्चन का सवाल का जवाब आपके पास है तो आप समझ लीजिएगा आपने क्या बना लिया, एक स्ट्रैटेजी बना लिया। क्या बोलो, डरना है सबको वाला बात, आइए पढ़ते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं, बताइए स्ट्रैटेजी से एक एरो निकालेंगे और लिखेंगे इसका सिनोनिम, क्या वर्ड बोला बताइए, प्लान ऑफ एक्शन, जो कि एक सिनोनिम के तौर पे हमने बोला लॉन्ग टर्म प्लानिंग या और लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट। परफेक्ट एवरीबॉडी, क्या करने के लिए सर, टू अचीव, कई वर्ड्स आपने यूज किया सर, क्या क्या बोला बताओ, तो विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, गजब गजब, टू अचीव मिशन, सॉरी विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव। सर ये चारों शब्द थोड़ा समझाइएगा, जरूर जरूर अगले क्लास का पात्र बनेंगे ये, बट अभी बताइए क्या एक बार के लिए बात समझ में आ रहा है, क्या करना है हमें स्ट्रैटेजी में। सर ये क्या जवाब देता है, ये स्ट्रैटेजी हमें क्या क्या जवाब देता है, 3 जवाब देता है बताइए, क्या क्या, क्या करना है, कैसे करना है, कहां करना है,
इसलिए बोले सारा, ज्यादा नहीं। क्या, कैसे और कहां, क्या, कैसे और कहां। चुप रहे अभी तुम, एकदम चुप रहे, ताकि जो बनना है वो बने, ताकि जो बनना चाहते हैं वो बने। क्या करना है, कैसे करना है और कहां करना है। कर रहा है। बोलो डर है सबको, इतना सा बात। आ जाइए बुक में लिखिए पेज नंबर, अगेन कौन सा बताइए, 1। और यहाँ पे जो भी आपका पेज नंबर था कॉपी का, मे बी 1 or 2 or 3, आई डोंट नो। आइए पढ़ते हैं। वी मे डिफाइन दैट स्ट्रैटेजी इज अ, अंडरलाइन द वर्ड वापस, क्या, लॉन्ग रे। जनरली अंडरलाइन से अच्छा बेटर रहेगा अगर आप हाईलाइटर यूज करते हैं। मैं पहली बार ये सब बात यूज कर रहा हूँ क्योंकि थ्योरी पेपर है, तो एक हाईलाइटर हाईएस्ट कैरी कर सकते हो या एक कलरफुल पेन, एक एक, ज्यादा नहीं, ठीक है। लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट ऑफ एन, क्या, ऑर्गेनाइजेशनल डिजायर्ड, क्या, इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। यानी ये सब तीन शब्द का मतलब, जैसे मैंने पहले यूज किया आपके लिए, क्या पता है वो क्या वर्ड यूज किया मैंने, बताइए, मिशंस। और ए, फिर ये क्या करने में जा रहा है, पहले क्या यूज किया बताइए, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स। बट इसको थोड़ा अलग ढंग से एक बार बोला गया, क्यों पता है, ये वर्ड्स अभी तक अपने सीखे नहीं है। आगे, दैट इज व्हाट इट वांट्स टू बी, समझ रहे हो, क्या बनना है उसके लिए, व्हाट इट वांट्स टू डू, क्या करना है, हाउ इट वांट्स टू डू, कैसे करना है, वेयर इट वांट्स टू डू, कहां करना है। अगर ये तीन जवाब मांग लेंगे तो हमको जो बनना है वो हम बन पाएंगे। क्या ध्यान रहेगा सबको ये वर्ड, क्या डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी इज ओके। अब सुनना, जैसे अपने बचपन में पढ़ते थे, कई महारथी लोग अपना अपना क्या बना के गए हैं, डेफिनेशंस। सर क्या वो लिखना जरूरी है एकदम से, एकदम भी नहीं। बट कुछ कुछ ऑथर्स और कुछ कुछ प्रोफेसर्स हैं जिनके डेफिनेशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग और काम के बने, और वो मैंने आपके बुक में डाला। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एनसॉफ जी द्वारा है, और आगे ये एनसॉफ जी और भी अपने को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ चीजें सिखाएंगे, तो इनका एक डेफिनेशन है जो मैं चाहूंगा कि आप याद रख लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्या है सर स्ट्रेटेजी इनके हिसाब से, देखिए, इट इज अ, क्या बताइए, कॉमन थ्रेड। अच्छा थ्रेड मतलब क्या सर, धागा, और कॉमन मतलब क्या, बोलिए, सबके लिए सेम है, यानी एक कॉमन धागा है जो क्या कर रहा है सर, ऑर्गेनाइजेशन के क्या एक्टिविटीज, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो काम है, प्रोसेस जो अपने पढ़े थे मैनेजमेंट, और प्रोडक्ट और मार्केट, प्रोडक्ट डैश मार्केट मतलब प्रोडक्ट और मार्केट को जोड़ रहा है। यानी कि इनके बीच में कॉमन धागा है, बताइए, कॉमन धागा, कॉमन धागा, धागा भी कैसा, कॉमन, कॉमन मतलब सेम धागा है, एक तरफ से दूसरे तरफ टना हुआ है, जो कहां से कहां तक पकड़ के रखा है, बताइए, एक तरफ किसको, ऑर्गेनाइजेशन के काम को, किस से, प्रोडक्ट या मार्केट से, प्रोडक्ट और मार्केट से एक धागा जोड़ के रखा हुआ है। क्या ध्यान रहेगा सबको ये वाला बात, क्या सर जो डिफाइन करता है, क्या, एसेंशियल नेचर ऑफ द बिजनेस, कि ये बिजनेस क्या है। दूसरा, कि उसका ऑर्गेनाइजेशन हैज और प्लान टू बी इन फ्यूचर, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या सोचा है कि वो फ्यूचर में क्या होगा, उस चीज को हम क्या बुलाते हैं, बताइए, एक स्ट्रैटेजी। यानी स्ट्रैटेजी एक कॉमन धागा है जो किसको किस से बांध रहा है, बताइए, ऑर्गेनाइजेशन को, किस से, प्रोडक्ट और मार्केट से, ताकि क्या हो सके सर, क्या क्या कर सके सर, हम सर हम एसेंशियल नेचर ऑफ द बिजनेस, जो कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहता है, सोचा था वो वहां जाएगा, वही टू अचीव, जो हम बनना, तो है बात वही घुमा फिरा के सबसे। बट इनका अगर लैंग्वेज लिखना है तो हार्डकोर इनका लैंग्वेज लिखना होगा, क्योंकि अगर आप नाम यूज कर लिए तो आपको उनका क्या करना होगा सर, इन्वर्टेड कोमा वाला डेफिनेशंस देना होगा सर, थोड़ा दीवी इधर उधर जाए चलेगा, तो वो चलेगा, बट अगेन कोशिश करना है कि वो कॉमन वर्ड्स आए, जैसे कि कॉमन थ्रेड बिटवीन क्या क्या, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज एंड, बोलिए, मार्केट एंड प्रोडक्ट, और दूसरा वर्ड क्या था, जो क्या समझाते हैं, उसका एसेंशियल नेचर, जो कि उसको क्या करना है,
बोलिए सोचे हैं या बन चुके हैं जो उसको फ्यूचर में अचीव करना, मतलब जो सोचे हैं हमको फ्यूचर में अचीव करना, या तो हैज या इज प्लानिंग टू अचीव इन फ्यूचर, उसको हम क्या बुलाते हैं, एक स्ट्रेटजी। और भी एक जन का डेफिनेशन है जो मैं बोलूंगा नॉट रिक्वायर्ड। आज का क्लास में एक लास्ट बात पूछते हुए क्लास की समाप्ति, स्ट्रेटजीज कौन सा लेवल ऑफ बिजनेस बनाता होगा? मैं तीन लेवल बोल रहा हूं, सुनना। एक, सबसे नीचे वाले फंक्शनल लेवल्स वाले लोग। एक, बीच वाले लोग जिनको हम बोलते हैं बिजनेस लेवल या जनरली डिविजनल लेवल। और सबसे ऊपर वाले लोग जिनको हम बोलते हैं कॉरपोरेट लेवल। बताइए कौन स्ट्रेटजी बनाता होगा? बस यहीं पे आप गलती कर दिए। आंसर इज तीनों। और यहां से हमारा डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। टाटा बाय बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच।